वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज का जो टॉपिक होगा वो कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सबसे पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, यहाँ पे जो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कशन किया गया है फ्रेंड्स आपके सामने, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इन्हीं टाइप्स में से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग की खासियत ये है ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो कोडिंग और डिकोडिंग वाले में थोड़ा सा टफ हो जाता है कि उन्होंने किस हिसाब से सोचा है पैटर्न को एनालाइज करना। लेकिन एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनके पैटर्न को हमने पढ़ा है और मैक्सिमम टाइप्स यहाँ कवर करने की कोशिश की है और कुछ और भी उसके वेरिएशन हम यहाँ इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कोडिंग और डिकोडिंग से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में कि आपको अल्फाबेट्स दे रखे होते हैं और इसका आपको बेसिक जो होता है इसमें कि आपको सबकी नंबरिंग जाननी होती है कि हम ए को क्या नंबर दे सकते हैं, बी को क्या नंबर दे सकते हैं और इनका रिवर्स ऑर्डरिंग में हमें नंबर भी याद रखना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम अभी इस थ्योरी पार्ट में सीखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा जो अल्फाबेट्स है, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं फ्रेंड्स 26। इसको हम कहां यूज करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नंबरिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ए का क्या नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसा करते 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 अगर हम इस टाइप से नंबरिंग करें तो M की नंबरिंग क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 13 हो जाएगी। ये हमने M ही क्यों चुना ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। M की नंबरिंग क्या हो गई 13 हो गई, N की नंबरिंग क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह O P Q R S T ऐसा अगर हम Z तक नंबरिंग करें तो Z का नंबरिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 26। Z का क्या नंबर हो जाएगा 26, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कैसे ध्यान में रखते हैं। इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स, ये इजॉर्टी का एक कंसेप्ट होता है। इजॉर्टी का क्या कंसेप्ट होता है कि ई का जो नंबरिंग होता है पोजीशन होता है वो 5 होता है, जे का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है 10 होता है, ओ का जो पोजीशन होता है वो 15 होता है, टी का पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं 20 बोलते हैं और वाई के पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं 25 बोलते हैं फ्रेंड्स। तो सारे ही अल्फाबेट्स का नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। आप बेसिकली इनको याद रखेंगे, इजॉटी जो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म जो रखा है इजॉटी, और उसके नंबर्स को याद रखेंगे और इसके इर्द गिर्द जो भी नंबर्स आएगा वो हम तो डिफाइन तो कर ही लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ई का क्या नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 5, जे का क्या नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 10, ओ का क्या नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 और का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20 और वाई का क्या हो जाएगा 25। तो एक हमें इजॉर्टी का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो जे तो हमें पता होता है 10 है, तो ई एफ जी एच आई जे, एच आई जे, तो जे 10 है तो एच क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें डायरेक्टली सबका नंबर याद रखने की फ्रेंड जरूरत नहीं है क्योंकि आपको और भी चीजें याद रखनी होती है, आपको जीके पढ़ना होता है, उसमें भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है। तो इसमें अब अल्फाबेट्स को भी अगर हम याद करना शुरू कर दिए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, आपको ये इजॉर्टी का जो कंसेप्ट है ये आपको ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे हमने एच का देखा, अगर मान लीजिए एस दिया हो रहा था, एस का नंबरिंग क्या होगा, तो एस के सबसे नजदीक क्या है एच टी होता है, तो टी का नंबरिंग हमने क्या रखा है इजॉर्टी में 20, तो एस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अपने कैलकुलेशन को अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सब्जेक्ट में और अल्फाबेट का जो नंबर होता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हो गई पहली बात क्या हो गई, एक तो नंबरिंग जो होती है, ये जो लेफ्ट से राइट अभी हमने नंबर किया, लेफ्ट से राइट कैसे नंबर किया, ये हमारा बोर्ड था, ये हमारा लेफ्ट हैंड था और लेफ्ट से राइट जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेफ्ट से राइट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम इधर से इधर आए, ठीक है। अब एक बार हम राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग करेंगे वो कैसे होता है वो थोड़ी देर में हम देखते हैं, उसमें आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स होंगी वो देख के हम तुरंत नंबरिंग कर लेंगे कि भाई अगर कुछ नंबर अगर हमें स्ट्रेट में पता है तो उसका रिवर्स में कोई नंबरिंग ऑर्डर हम लोग कर सकते हैं क्या, कोई ट्रिक यूज करके, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक
ठीक है। तो पहला कंसेप्ट अभी हमने क्या सीखा, इजोटी का कंसेप्ट। इजोटी का कंसेप्ट क्या था फ्रेंड्स, 5, 10, 15, 20 और 25। क्या था कंसेप्ट, 5, 10, 15, 20 और 25। ये तो आपको एकदम भी नहीं भूलना है, ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा फ्रेंड्स। और इसके बेसिस पे आप यहां पे जितना भी अल्फाबेट्स होगा उसका नंबर निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं फ्रेंड्स, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 26। टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 26। तो टोटल अगर 26 अल्फाबेट्स हैं, अगर इनको हम आधा कर दें, इसको अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होंगे, अगर हम इसको आधा कर दें तो क्या होता है, 26 का आधा 13। तो 13th अल्फाबेट क्या है हमारा फ्रेंड्स, 13th अल्फाबेट क्या है हमारा, 13th अल्फाबेट क्या है, ठीक है, 13th अल्फाबेट क्या है हमारा, M। इसीलिए हम जब नंबरिंग जब मैंने शुरू में करी तो M को 13 बोला और N को क्या बोला, जो 14th अल्फाबेट है। अगर हमें 13 पता है तो 14 तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 13th क्या है फ्रेंड्स, 13 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आधा है, 26 का आधा है, इसलिए 13 इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, अभी हम आगे की लेक्चर में इसको सीखने वाले हैं। तो M के बाद क्या हो जाएगा, N। तो आपको सेकंड पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है, और N की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, N की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। तो पहला पॉइंट हो गया इजोटी का, क्या था फ्रेंड्स, इजोटी का कंसेप्ट क्या था, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंसेप्ट क्या था फ्रेंड्स, M का जो वैल्यू होता है 13 होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं 26 होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, उनको बाय 2 करते हैं तो 13 एक नंबर आता है, तो 13 को हम ध्यान में रखते हैं। और 13 के बाद वाला एलिमेंट जो N होता है, जिसका नंबरिंग होता है 14, उसको हम ध्यान रखते हैं। तो अभी तक हमने कितने लेटर्स ध्यान रख लिए फ्रेंड्स, 5 यहां 2 यहां पे, ठीक है, तो 5, 2, 7 लेटर्स हमने ध्यान रख लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग को ध्यान रखना होता है, कि अगर Z को अगर 1 बोल दिया जाए तो A क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 26। रिवर्स ऑर्डर हमने क्या किया, ये हमारा बोर्ड था, पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना शुरू करी थी। अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा बोर्ड हो गया, अब हम राइट साइड से नंबरिंग करना शुरू कर रहे हैं। मतलब जो Z हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा और अब A जो होगा हमारा वो 26 हो जाएगा। A हमारा 26 हो जाएगा और Z हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या दोनों ही साइड से नंबरिंग याद रखना जरूरी है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है फ्रेंड्स, जैसे आपको मान लीजिए T का ही रिवर्स ऑर्डर में नंबर निकालना, मतलब T का इस डायरेक्शन से नंबर निकालना हो, ठीक है, T का अगर इस डायरेक्शन नंबर निकालना, नंबरिंग निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर होता है जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है इस डायरेक्शन से हमने ऑलरेडी इसका नंबर क्या निकाल रखा है, 20। तो इसको क्या करते हैं, हम 27 से माइनस कर देते हैं ये वाला नंबर जो हम ऑलरेडी सीख रखे, इजोटी में हमने सीख रखा है, जो कि लेफ्ट साइड से जब हम काउंटिंग करते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आती है, 20 आती है। तो वो हमने यहां रख दिया और 27 से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। मतलब अगर हम इस साइड से काउंटिंग करें, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, एक्स 3 हो जाएगा, डब्ल्यू 4 हो जाएगा, वी 5 हो जाएगा, यू 6 हो जाएगा और टी 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो किसी भी पोजीशन का अगर आपको राइट साइड से नंबरिंग करना हो, ठीक है, या फिर दे रखा हो रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग करना हो, तो उसको हम 27 माइनस जो ऑलरेडी नंबर हमने सीख रखा है उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओ का निकाल के देखते हैं, ओ का अगर हम इस डायरेक्शन से नंबर निकालें, ओ का इस डायरेक्शन से अगर हम पोजिशन निकालें तो क्या आएगा, ओ का इस डायरेक्शन से पोजिशन कितना है, 15। तो 27 में से 15 माइनस कर देंगे तो O का इस डायरेक्शन से पोजीशन निकल जाएगा, इस डायरेक्शन से काउंटिंग करना शुरू करें जिसमें Z 1 है, तो O का पोजीशन नंबरिंग क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी फ्रेंड्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप जब भी इन दोनों को ऐड करोगे तो 27 आएगा, क्यों, क्योंकि हम 27 से माइनस करके ही ये आंसर निकाल रहे हैं। इन दोनों को ऐड करोगे 27 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 27 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए H दे रखा था, H का वैल्यू क्या है, 8, तो यहां पे H का नंबर क्या आ जाना चाहिए, H का क्या नंबर आ जाना चाहिए, 19, क्योंकि 19 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 27, जब भी हम इस डायरेक्शन से काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज सोचिए, मान लीजिए अगर कोई भूल गया कि 27 माइनस 20 ही क्यों आया यहां पे, 26, 25 या 24 क्यों नहीं आया,
कायदे से देखा जाए तो 26 आना चाहिए था, क्योंकि टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, तो वो क्यों नहीं आया? तो उसको भी हम यहां पे सीख लेते हैं फ्रेंड्स, उसको भी हम यहां पे एक बार सीख लेते हैं। तो वो लेटर 27 से ही क्यों माइनस हुआ, 26 से क्यों नहीं माइनस हुआ, वो हम अभी सीखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रैंकिंग के क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, टोटल नंबर इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। ये कैसे आया था फ्रेंड्स, रैंकिंग क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, यहां पे एक बार उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रैंकिंग के क्लास में, अगर थोड़ा सा रैंकिंग का कंसेप्ट यहां पे हम इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि सारे चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो वो 27 कैसे आया वो भी हम यहां पे देख लेते हैं कि 27 से ही हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए टी का पोजिशन जो था, तो टी कितने पोजिशन पे था, टी 20th पोजिशन पे था, टी का जो पोजिशन था वो कितना था, 28 था, और 28th हमने किस डायरेक्शन से माना था, लेफ्ट साइड से माना था। क्यों हो गया ये लेफ्ट साइड, ये हमारा बोर्ड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, और लेफ्ट से काउंटिंग करनी शुरू करी थी हमने, लेफ्ट से काउंटिंग करनी शुरू करी थी, और जब हमने लेफ्ट से काउंटिंग करी तो टी का पोजिशन कितना आ गया था, 20 आ गया था, टी का पोजिशन कितना आ गया था, 20 आ गया था, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर्स कितने हैं फ्रेंड्स, टोटल 26 हैं। तो हमने रैंकिंग की क्लास में क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, टी इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन, टी इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। तो एल की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, 20 हो गई, और आर हमारा क्या हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना, और ये माइनस वन हो गया। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 26 है। अगर वन अगर इधर आ जाए, वन अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा ये वैल्यू। ये माइनस वन अगर इधर आ गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। तो आर को क्या हम लिख सकते हैं, 27 माइनस 20। टी का पोजिशन के लिए अगर लिखे हैं तो आर की वैल्यू राइट साइड से क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 7। और हमने क्या करा था, 27 से ये पोजिशन को माइनस किया था, तो हमारा भी आंसर क्या आ गया था, 7 आ गया था। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, रैंकिंग के जो स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है ना उसको हमने यहां पे यूटिलाइज किया। अगर एक नंबर टी है आपके पास जिसका लेफ्ट से रैंक 28 पोजीशन है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर 26 है, तो राइट से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, टी इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। माइनस वन अगर इधर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं, 26 प्लस वन हो जाएगा, 27 आ जाएगा, और 27 से जैसे ही हम ये पोजीशन माइनस करना शुरू करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में, जो हमारी नंबरिंग जो हमने सीखा कि रिवर्स ऑर्डर में अगर नंबरिंग आ गया तो नंबरिंग हम कैसे निकालेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 से अगर हम 20 को माइनस कर देंगे तो टी की वैल्यू 7 आ जाएगी रिवर्स ऑर्डर में, या फिर राइट साइड के डायरेक्शन से, ठीक है फ्रेंड। तो वो 27 कैसे आया, रैंकिंग के कंसेप्ट को हमने यूज किया और उसको हमने एक्सप्लेन किया कि 27 से ही माइनस क्यों होता है, 26 से माइनस क्यों नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो जो अगला सेक्शन है हमारा, अगले सेक्शन में हमने अभी जस्ट बोला था कि m की वैल्यू 13 होती है और n की वैल्यू 14 होती है, उसको कैसे हम यहां पे यूटिलाइज करते हैं वो देखते हैं। हमने जो पूरा अल्फाबेट था आपके लिए ए टू जेड, जो अल्फाबेट था 1 से लेकर 26 को, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, और पहले 13 लेटर्स, पहले 13 लेटर्स यहां पे हमने लिख दिए हैं। ये ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, वैसे करते करते एम आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में हमने क्या किया है, जो 14th लेटर है, 14th लेटर को इस डायरेक्शन से लिखना शुरू किया है, मतलब 1 टू 13 तो ऐसा आ जाएगा, जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 13th हो जाएगा, और ये 14th हो जाएगा, और ये 26th हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने 1 से 13 ऐसे लिखा, उसके बाद इधर से ऐसे मुड़ गए, और n को जस्ट m के नीचे लिखा है, o को जस्ट l के नीचे लिखा है, p को जस्ट k के नीचे लिखा है, उसी तरह Z को हमने जस्ट A के नीचे लिखा है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो आपको जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के बेसिस पे दे देते हैं। क्या बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए A B C D इज कोडेड एज, मतलब A B C D का जो कोड है वो लिख के दे देते हैं Z Y X और W है, और उसके हिसाब से फिर आपसे EFGH का कोड पूछते हैं, EFGH का क्या कोड हो जाएगा वो हमें बताइए, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो रिवर्स ऑर्डर में जो हमने लिखा है, पहले तो हमने अल्फाबेट को आधा में तोड़ दिया, उसके बाद जो लेटर हाफ है, जो सेकेंड हाफ है, जो 14 से शुरू होता है, उसको हमने राइट टू लेफ्ट लिखा है, राइट टू लेफ्ट लिखा है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट कैसे हो गया, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, ये बोर्ड हो गया आपका, ये हमारा राइट हैंड, तो राइट टू लेफ्ट हमने नंबरिंग की है 14, 15, 16, 17 इस टाइप से, राइट टू लेफ्ट हमने नंबरिंग किया, राइट राइट हैंड
14, 15, 16, 17 और ये हमारा वोट हो गया, ये मतलब आपकी कॉपी हो जाएगी और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अभी हम जब टाइप्स डिस्कस करेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि जो आपके पास अल्फाबेट दिया गया है उसको आधा में तोड़िए और जो लेटर हाफ है, जो सेकेंड हाफ है, जो 40 से शुरू हो रहा है, उसको आप राइट टू लेफ्ट लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना होता है, डी के नीचे क्या है, ई के नीचे क्या है, तो उतना याद करने की आपको जरूरत है नहीं, आप सिंपली इसको एग्जामिनेशन हॉल में बना के भी देख सकते हैं कि भाई क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, कोडिंग और डीकोडिंग के क्वेश्चंस में, कोडिंग और डीकोडिंग में क्या होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, ये आपको तब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न्स जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ रखा है वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, उनमें से एक पैटर्न ये वाला है, जब पूरे अल्फाबेट्स को आप हाफ में डिवाइड कर दोगे और जो लेटर हाफ होगा मतलब जो 14 से शुरू होगा उसको आप राइट टू लेफ्ट लिख दोगे, तो एक पैटर्न ये बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पैटर्न कैसा बनता है वो भी देख लेते हैं। अगला पैटर्न जो बनता है, हमने क्या किया, ए को तो यहां पे 1 लिख दिया, एम यहां पे 13 हो गई, ठीक है। इस बार एन को हमने क्या किया, इस बार एन को हमने लेफ्ट टू राइट लिखा है, यहां जो लेटर हाफ है इस बार लेफ्ट टू राइट लिखा है। लेफ्ट टू राइट कैसे हो गया फ्रेंड्स, ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया और इस बार हमने एन से लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू किया, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके यहां पे 26 आ जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे करके यहां पे 26 आ जाएगा। तो इसके भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो इस बार आपको पैटर्न में क्या दे देगा, ए बी सी डी और उसके नीचे लिख देगा एन ओ पी क्यू, ठीक है। उसी तरह फिर इस बार आपसे ई एफ जी एच पूछ लेगा कि क्या बनेगा, तो आपको क्या बताना होगा, ई एफ जी एच की क्या वैल्यू हो जाएगी, ई के नीचे आर आ जाएगा, एफ के नीचे एस आ जाएगा, जी के नीचे टी आ जाएगा और एच के नीचे यू आ जाएगा। तो ये तीसरा पैटर्न होता है फ्रेंड्स जो आपको एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। क्या किया हमने इस पैटर्न में, पूरा अल्फाबेट जो था 26 का उसको बाय हाफ कर दिया, वो यहां पे लिख दिया हमने 1 to 13। एम क्यों इंपॉर्टेंट था वो आप यहां पे समझ सकते हैं कि 13 हमने क्यों याद किया और 14 हमने क्यों याद किया, ठीक है। और कोई लेटर में हमने उतना एम्फेसिस नहीं दिया इजोटी के अलावा कि आपको याद करना ही है, लेकिन इनको आपको याद करके रखना होगा ताकि आपकी जो चीजें हैं वो आसान हो जाए, ठीक है। तो इसमें इस पैटर्न में हमने क्या सीखा फ्रेंड्स, अल्फाबेट से आपके पास 26, उसको हाफ में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ एज इट इज लिख दिया फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट, और सेकंड हाफ को हमने क्या किया, इसके पहले वाले लेक्चर में सेकंड हाफ को हमने जो एन था राइट टू लेफ्ट लिखा था, और इस वाले सेक्शन में हमने इसे लेफ्ट टू राइट लिखा है, लेफ्ट टू राइट लिखा है 14, 15, 16, 17, ठीक है फ्रेंड। तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमने देख लिया कि कुछ इस टाइप का दे रखा होगा, आपको डायरेक्ट एबीसीडी नहीं दे रखी होगी, आपको दे रखा होगा वो बी हटा देंगे, वो लिख देंगे ए जैसे एन के साथ रिलेटेड है, डी जैसे क्यू के साथ रिलेटेड है, ठीक है, आई जैसे वी के साथ रिलेटेड है। तो इसको आपको देखना होगा और क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताओ भाई बी सी जे के का क्या कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये आपको चीजें दिखने लगे, इसलिए हमने ये पैटर्न को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक बेसिकली हमने क्या सीख लिया, सबसे पहले हमने नंबरिंग सीखी ए टू जेड, उसमें हमने क्या क्या ध्यान रखा, एक इजोटी का कंसेप्ट ध्यान रखा। इजोटी का क्या कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, 5, 10, 15, 20 और 25, ई जे ओ टी वाई, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज हमने क्या ध्यान रखा फ्रेंड्स, एम की जो वैल्यू होती है वो 13 होती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमने अभी जस्ट देख लिया है। एन की वैल्यू जो होती है वो 14 होती है, वो भी क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो हमने देख लिया। तीसरी चीज हमने क्या देखी फ्रेंड्स, हमने पूरे अल्फाबेट्स को हाफ में डिवाइड किया और एक बार जो लेटर हाफ था, जो एन जो था जो 14 से शुरू हो रहा था, एक बार हमने उसे राइट टू लेफ्ट लिख दिया और दूसरी बार हमने क्या किया है उसे लेफ्ट टू राइट लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद से हम पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं कि क्या पैटर्न एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं हमसे, जिसका हमको वहां पे आंसर देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें भी कुछ कुछ वेरिएशंस हो जाता है फ्रेंड्स। क्या वेरिएशन होता है कि कभी कभी एग्जामिनर्स क्या करते हैं ना, आपको ऐसा ऐसा पैटर्न देने लगते हैं, आपको ऐसा ऐसा पैटर्न देने लगते हैं, जैसे ए बी सी डी इज रिलेटेड टू ओ पी क्यू आर, तो उसी तरह आपसे पूछ लेंगे एच आई जे के क्या होगा, तो एच का ये हो जाएगा, आई का ये हो जाएगा, जे का ये हो जाएगा और के का ये हो जाएगा। तो जब तक चीजें आप इसको लिखोगे नहीं बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आपको ये चीजें दिखेगी नहीं। और दूसरी चीज ये है, जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीजें दिखना शुरू नहीं होंगी। यहां पे हम बस आपको पैटर्न्स बता रहे हैं कि क्या क्या पैटर्न्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने यहां पे समझ लिया, ठीक है फ्रेंड। यहां तक तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इजॉटी,
और उसके बाद पूरे अल्फाबेट को लिखना, उसको हाफ में डिवाइड करना और एन को एक बार इस साइड से लिखना और दूसरी बार एन को इस साइड से लिखना। ये तीन कंसेप्ट्स पे, ये तीन कंसेप्ट्स पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसको अब हम लेक्चर में देखना शुरू करेंगे वन बाय वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपके पास, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां दे रखा है कि एक कोडेड लैंग्वेज में, कोडेड लैंग्वेज में वाई जेड डब्ल्यू को बैड लिखा जाता है, YZW को बैड लिखा जाता है। तो जो मैक्सिमम इन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप रहता है, सबसे पहला स्टेप नंबरिंग करके देखते हैं कि कुछ नंबर से कुछ बन रहा है क्या। तो चलिए वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन सबको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको समझा के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। जब आप पूरी तरह सीख जाओगे तो आप चुटकियों में इनको सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। तो एक कोडेड लैंग्वेज में दे रखा है कि वाई जेड डब्ल्यू को बैड बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, स्टेप वन आप क्या ट्राई करोगे, यहां पे लिख लो वाई जेड और डब्ल्यू, इसके करेस्पॉन्डिंग हमने यहां पे नंबर लिख लिया। अब नंबर कैसे लिखे, हमें क्या याद रखना था, इजॉटी, हमें क्या याद रखना था, इजॉटी, इजॉटी हमने याद रख लिया। इजॉटी जैसे ही हमने याद रख लिया फ्रेंड्स, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, 25। तो यहां पे हम उसको 25 लिख लेते हैं। तो क्या होता है एक्स वाई जेड, अगर ये 25 हो गया तो Z तो सबको याद रहता है वैसे भी 26, और W का क्या वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, W का क्या वैल्यू हो जाएगा, W X Y Z। तो Y अगर 25 है तो W क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा 2, माइनस कर देंगे 25 में से तो 23 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बैड को यहां पे लिखते हैं हम लोग, बैड को अगर हम यहां पे लिखें, बैड को अगर हम यहां पे लिखें तो B की कोड क्या होगी फ्रेंड्स, 2 हो जाएगी, A का नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और D का नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कुछ गौर कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स, कुछ गौर कीजिए, क्या गौर करने की बात है, 25 प्लस 2 कितना हो रहा है 27, 26 प्लस 1 कितना हो रहा है 27, 23 प्लस 4 कितना हो रहा है फ्रेंड्स 27। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जो यहां का जो लेटर है और जो यहां का लेटर है उसका आपस में सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, उसका आपस में सम क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो यही वैल्यू यहां पे भी फॉलो होनी चाहिए। तो यहां पे अगर हम Z, X और Y लिख लें, यहां पे हम Z, X और Y लिख लें, तो Z की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 26 है, Y की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 25 है, Y की वैल्यू 25 हमने डायरेक्ट कैसे लिख ली, इजॉटी के कंसेप्ट से लिख ली, और X की वैल्यू क्या हो जाएगी, XYZ होता है, XYZ होता है, तो Y की वैल्यू 25 है, X उसके एक पहले है, तो यहां पे हमने X की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 24। तो यहां पे जो नंबर्स हैं, यहां पे जो अल्फाबेट्स हैं, उनका क्या नंबर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 26 प्लस 1 टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 27। तो 27 से अगर हम 26 घटा दें तो यहां पे वो अल्फाबेट आएगा जिसका नंबरिंग 1 होगा, 24 प्लस 3 27, तो यहां पे अल्फाबेट कौन सा आना चाहिए, जिसका नंबर 3 होगा, 25 प्लस 2 27, तो यहां पे कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए फ्रेंड्स, 2 आना चाहिए। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा अल्फाबेट होता है फ्रेंड्स, ए होता है, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, सी होता है, और 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, बी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जी हाँ बिल्कुल कर सकते थे, कैसे कर सकते थे देखते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने आपको सिखाया था कि ए बी सी डी ऐसे करके आप एम तक लिख लो, ऐसे करके आप एम तक लिख लो, ठीक है। उसके बाद एन को यहां से लिखना चालू करो, N को जब यहां से लिखना चालू करोगे तो इस डायरेक्शन में यहां पे Z आ जाएगा, ठीक है, यहां पे Z आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा सा गौर कीजिएगा, जरा सा गौर कीजिएगा, Y के करेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है फ्रेंड्स, B आ रहा है, Y के करेस्पॉन्डिंग क्या आया फ्रेंड्स, Y के करेस्पॉन्डिंग क्या आया, B आया, Z के करेस्पॉन्डिंग क्या आया फ्रेंड्स, A आया, Z के करेस्पॉन्डिंग यहां पे क्या आया फ्रेंड्स, A आया, W के करस्पॉन्डिंग क्या आया फ्रेंड्स, D आया, W के करस्पॉन्डिंग क्या आया फ्रेंड्स, D आया, ठीक है। तो Z के करस्पॉन्डिंग A, Y के करस्पॉन्डिंग B, W के करस्पॉन्डिंग D। तो पैटर्न तो आपको दिख ही रहा होगा क्या करना है, Z X Y पूछा गया है, तो Z के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, A आ जाएगा, X के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, X के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और Y के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, B आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड से हमने सॉल्व करके देखा फ्रेंड्स कि हमारा जो आंसर आएगा वो ए सी बी आएगा, दोनों ही
मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से आंसर आ सकता है। आंसर आपका कई तरीकों से भी आ सकता है, बशर्ते कि जो आप यहां पे आंसर ला रहे हो, यहां पे जो आप आंसर ला रहे हो वो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न को देख के ला रहे हो, ठीक है। जैसे यहां पे पैटर्न क्या था, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन का सम था 27, ठीक है, वो यहां पे भी फॉलो हो रहा था तो उसको यहां पे भी फॉलो होना पड़ेगा। अगर किन्हीं फ्रेंड्स को अगर ये चीजें यहां पे बनती नहीं दिखती थी तो यहां पे आप नंबरिंग करके भी उसको देख सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है दे रखा है कि रोड को यूआरडीजी लिखा जाता है, रोड को क्या लिखा जाता है, यूआरडीजी, ठीक है। उसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, रोड को क्या लिखना है, यूआरडीजी, रोड को क्या लिखना है, यूआरडीजी, यूआरडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो जब भी किसी भी अल्फाबेट का नंबरिंग करना है तो हमें यह तो भूलना नहीं है कि हमें क्या याद रखना था, इजॉटी, इजॉटी में टी क्या था फ्रेंड्स, 20 था, इजॉटी में टी क्या था, 20 था। आर एस टी होता है फ्रेंड्स, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 15। 15 कैसे आई, इजॉटी का ओ। ए की वैल्यू हमें तो ऐसे ही याद होता है 1। डी की वैल्यू हमें क्या होती है, 4। उसी तरह यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, UVWXYZ या फिर TUV होता है, तो TUV होता है तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, T के बाद वाली 21। R की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 18। D क्या होता है फ्रेंड्स, 4 होता है। और G क्या होता है फ्रेंड्स, G की वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, EFG। E की वैल्यू क्या होती है, इजॉटी से 5, FG 2 ऐड कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 ऐड करने के बाद 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 18+3 21, 15+3 18, 1+3 4 और 4+3 7। मतलब यहां पे भी +3 हो रहा है, यहां पे भी +3 हो रहा है और यहां पे भी +3 हो रहा है और यहां पे भी +3 हो रहा है। मतलब कहां से +3 हो रहा है, 18+3 21, 15+3 18, 1+3 4, 4+3 7। तो सेम पैटर्न जो यहां आया फ्रेंड्स वो इसमें भी आना चाहिए, स्वान में भी सेम पैटर्न आना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, आर एस टी होता है, टी की वैल्यू क्या आती है, 20। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है फ्रेंड्स, वाई की वैल्यू क्या होती है, 25। डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पहले, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई, वाई से 2 माइनस कर दे, वाई की वैल्यू क्या होती है, जॉटी से 25, तो यहां पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23। उसी तरह ए की वैल्यू सबको याद रहती है फ्रेंड्स, 1, और एन की वैल्यू 14। कैसे, एम हम याद रखते हैं, एम अल्फाबेट का हाफ होता है, इसकी वैल्यू 13 होती है, 13 M के बाद क्या आता है, N, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, ठीक है फ्रेंड्स। तो +3 कर देते हैं सब में, यहां जो अल्फाबेट आएगा उसका नंबर क्या होगा, 19+3 22, यहां जो अल्फाबेट आएगा 26 आएगा, 23+3 यहां पे जो अल्फाबेट आएगा वो कौन सा आएगा फ्रेंड्स, 1+3 4, और यहां पे जो अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, 17, 14+3 17, सब में हमने +3 कर दिया है, सब में हमने क्या किया है, +3 कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दो अलग अलग वर्ड यहां पे दे रखे होते हैं और उसका कोड आपको साइमल्टेनियसली दे रखा होता है। जैसे यहां पे बी क्विक लिखा हुआ है, बी अलग है, क्विक अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो अलग अलग वर्ड दे रखे होते हैं और उसका एक साइमल्टेनियसली कोड दे रखा होता है। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यहां पे नंबर ऑफ जो लेटर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं वो देखना है। तो कितने हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 5 क्विक में हो गए और 2 अल्फाबेट्स किस में हो गए, बी में हो गए। यहां पे हम उसको देखते हैं तो जेड सी ओ 3 अल्फाबेट्स हो गए, एस जे 3 अल्फाबेट्स हो गए और आई 1 अल्फाबेट हो गया, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 7। मतलब क्या हो जाएगा अब इसका, तो बी क्विक को आप कैसे लिख लोगे, बी क्विक को आप कैसे लिख लोगे, बी क्विक, ठीक है, इसको आप कैसे लिख लोगे, जो यहां पे जो कोड दे रखी है, जेड सी ओ एस जी एस जी ए आई, एस जी ए आई, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम वही जो अपना तरीका है नंबरिंग करेंगे, अपना आंसर लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को कराने का ये मतलब था कि जैसे मान लीजिए अलग अलग तोड़ के आपको वर्ड दे दें, जैसे कम बैक क्विकली अगर आपको दे रखा होता यहीं पे कि कम एक साथ आ रहा था बैक क्विकली is coded as, मतलब कम बैक क्विकली को अगर हम लिख सकते हैं कि ही केम बैक,
ही जैसे कम बाय क्विकली को अगर हम दे रखे होते हैं कि इसका कुछ कोड होता तो प्रॉपरली हम सबको एक साथ लिखते सब पूरा कम बाय क्विकली को जो वर्ड है ये तीन अलग अलग वर्ड्स थे इन सबको एक साथ हम अल्फाबेट्स बनाते और नीचे जो इनका कोड्स दे रखा होता उसके करस्पॉन्डिंग कोड लिखते और देख लेते कि अपना जो रिलेशनशिप है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पे यहां पे हमने क्या किया, बी क्विक जो था बी अलग था क्विक अलग था, हमने बी क्विक को एक साथ लिख दिया और उसका कोड है उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहां पे लिख दिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब करना क्या है, नंबरिंग करनी है और अपना आंसर लेके आना है। ठीक है, और पूछ रखा होगा उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जो अगर ये अगर कुछ दे रखा है यहां पे अगर कुछ दे रखा है तो उसका हम आंसर कैसे निकालें, क्वेश्चन क्या है वो पहले बाद में देखते हैं, पहले कोडिंग कर लेते हैं कि आखिर कोड क्या है। हमारा जो कोड है उसको हम डिकोड कर लेते हैं कि क्या होगा जो हम यहां पे पुट करके अपना आंसर लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी का नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी का नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जेड का नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 26 हो जाएगा, उसी तरह ई का नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5, कैसे ई जॉट टी, ई जॉट टी में ई का नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा यहां पे, ओ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एल एम एन ओ ओ पी क्यू, तो ओ कितना होता है फ्रेंड्स 15 होता है, पी क्यू 2 ऐड कर देंगे 17, एस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी, टी का क्या होता है फ्रेंड्स 20, तो एस का क्या लिख देंगे हम यहां पे 19, यू का क्या होता है फ्रेंड्स कोड आर एस टी यू, टी का वैल्यू 20 है तो यू का वैल्यू 21 हो जाएगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 7 हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा ई एफ जी एच आई जे, ठीक है आई जे, जे का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, जे का वैल्यू क्या है इजोटी में 10 है, आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 1, के का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा ई एफ जी एच आई जे के, जे के, जे कितना है 10, के क्या हो जाएगा 11, ये क्या है फ्रेंड्स आई है, आई का हमने ऑलरेडी निकाला था 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हमने उसको डिकोड कर लिया कि 2 का 26 आ रहा है, 5 के करस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है, 17 के करस्पॉन्डिंग 15 आ रहा है, 21 के करस्पॉन्डिंग 19 आ रहा है, 9 के करस्पॉन्डिंग 7 आ रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है और 11 के करस्पॉन्डिंग 9 आ रहा है। तो सब में जो डिफरेंस है 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 2 नीचे से अगर प्लस 2 करें इस बार 1 प्लस 2 3, या आपको उल्टा भी लिख सकते थे 11 माइनस 2 9, 13 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक क्वेश्चन रिवर्स में समझा के दिखा रहा हूं कि आप रिवर्स में नंबरिंग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो यहां पे क्या आना चाहिए फ्रेंड्स 7 और 9 है तो यहां पे भी प्लस 2 आ रहा है, 19 प्लस 2 यहां पे भी आ रहा है, 15 प्लस 2 17, 3 प्लस 2 5 और 26, 26 के बाद अगर प्लस 2 करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 26 जेड हो जाएगा, और फिर 26 के बाद का अगर एडिशन होता है तो हमने उसका कैसा सीखा है, जो साइकिल है अल्फाबेट वाली वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी, 26 प्लस 2 करेंगे ए 1 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो यहां पे 26 प्लस 2 क्या आ जा रहा है बी आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया में तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर का कोड क्या है, तीसरे शब्द के, तो पहला शब्द क्या हो गया फ्रेंड्स आई, दूसरा शब्द क्या हो गया लव, और तीसरा शब्द क्या हो गया माई, तो तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर का कोड, तीसरा शब्द क्या हो गया फ्रेंड्स माई, उसका आखिरी अक्षर क्या है वाई, तो वाई का कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाई का कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमने अभी जस्ट लिखा नीचे वाला जो अल्फाबेट था उसमें हमने प्लस 2 कर दिया था तो वाई आ गया था, y की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स इजॉटी 25, तो y की वैल्यू क्या है 25, और नीचे वाला अल्फाबेट में अगर हम 2 ऐड करें तो 25 होना चाहिए, तो नीचे वाले अल्फाबेट की वैल्यू क्या होना चाहिए फ्रेंड्स 23, और 23 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स WXY, y से 2 कम, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा W, यहां पे क्या आ जाएगा W, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा W। उसी तरह आपको आई लव माई इंडिया का भी अगर पूरे का भी अगर कोड आपको निकालना होता तो आप कैसे निकालते फ्रेंड्स,
जैसे मान लीजिए आई दे रखा होता तो आई की वैल्यू क्या होती यहां पे 9 होती, तो आई के करेस्पॉन्डिंग यहां पे जो अल्फाबेट होता उसमें आप 2 ऐड करते हैं तो आपको 9 मिलता, तो यहां पे क्या आना चाहिए था 7। 7 किसका कोड होता है फ्रेंड्स? जी का कोड होता है, जी का कोड होता है। मैं एक क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं आपसे, तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया कि वाई की वैल्यू पूछ रखी थी कि वाई के करेस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, उसका आंसर क्या। मैं बोल रहा हूं कि अगर आई लव माई इंडिया का भी अगर आपको कोड निकालना पड़ता तो आप आराम से निकाल सकते थे, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है कि जितने भी अल्फाबेट्स है उसमें क्या क्या चीज का डिफरेंस है या क्या चीज का एडिशन है, 2 वाला, 2 का फैक्टर है जिसको हमने यहां पे लगा के हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को दो अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं आपको, दोनों को कंबाइन कीजिए, उसका जो कोड दे रखा होगा उसके करेस्पॉन्डिंग नीचे लिखिए, फिर करेस्पॉन्डिंग नंबर लिखिए सब में, आपको चीजें जो रिलेशन है आपको दिखती आ जाएगी और आपका आंसर तुरंत चुटकियों में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहां पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है जो कि ये समझा के मैं आपको कर रहा हूं, वरना एग्जामिनेशन हॉल में तो ये फटाफट हो जाएगा। बस एक चीज होनी चाहिए कि आपने काफी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नंबरिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने ऑलरेडी करना सीख लिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम टाइप 2 में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है आपको कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना हो रहा होता है और उस पैटर्न के बेसिस पे आप सिर्फ अपना आंसर लेके आ जाओगे, ठीक है। इसमें इन टाइप के क्वेश्चंस में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, आपको बस खाली ऑब्जर्व करना होता है कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। किक को लिख रखा है KCIK, तो किक हम यहां पे लिख लेते हैं और इसको क्या दे रखा है, इसका कोड क्या है फ्रेंड्स? KCIK। तो अगर हम तुरंत इसको ऑब्जर्व करें एक बार में हमें दिख जाएगा कि आई और सी का प्लेस और इंटरचेंज किया गया है, आई और सी का प्लेस इंटरचेंज किया गया है। इंटरचेंज का क्या मतलब हो गया फ्रेंड्स? आई अगर सेकंड में था और सी थर्ड में था तो सी अब सेकंड है और आई अब थर्ड हो गया है फ्रेंड्स। के बीच में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये हम सिर्फ इसको देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या पता चेंज हुआ भी हो, क्या पता चेंज नहीं हुआ हो, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बेसिस पे क्या कुछ ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है कि नहीं, ऑप्शंस के साथ हम लोग खेल सकते हैं कि नहीं। तो हमारे साथ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गुड, हमारे साथ क्वेश्चन क्या है? GOOD। तो हमने किक से क्या ऑब्जर्व किया, जो सेकंड लेटर है वो थर्ड बन गया है और जो थर्ड लेटर है वो क्या बन गया है? सेकंड बन गया है। तो अगर ओ को आपस में इंटरचेंज करें तो हमारे ऑप्शंस में ये दोनों तो आने ही चाहिए फ्रेंड्स, ये दोनों को इंटरचेंज कर दे तो सेम ही दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। देख लेते हैं, ये नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं, उसके लिए हमें क्या देखना होगा? दूसरा कोड जो दे रखा है, क्या दे रखा है? MAAN को क्या लिख दिया है इन्होंने? NAAA। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि बीच वाले जो दो लेटर्स थे इनका जो इंटरचेंज तो हो ही रहा था, इन दोनों लेटर का भी इंटरचेंज हो रहा है। ये हमें कैसे पता चला फ्रेंड्स? सेकंड कोड को देखने के बाद। पहले कोड से हम डेसिफर नहीं कर पाते कि पहला और आखिरी जो अल्फाबेट है वो इंटरचेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने इससे डेसिफर किया कि पहला और आखिरी जो लेटर है वो जो कोड में है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। एम यहां आ जा रहा है, एन यहां आ जा रहा है, ठीक है। कोड में हम देख सकते हैं एम कहां आ गया, यहां आ गया, एन कहां आ गया, यहां आ गया। उसी तरह अगर गुड दे रखा है तो डी कहां आ जाएगा फ्रेंड्स? यहां आ जाएगा। जी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने इसलिए बोला कि आप इसको एलिमिनेट कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इन दोनों को साथ में जैसे ही आप इंटरचेंज करते हैं ना तो आपका आंसर तुरंत ही आ जाता। हो सके यहां पे ये ओ नहीं रह के कुछ और होता या एफ ओ दे रखा होता तो आपका आंसर तुरंत आ जाता। तो कभी कभी एग्जामिनर आपके वो भी स्किल्स को टेस्ट करता है कि क्या आपने सिर्फ इसको देख के आंसर लिया है, दूसरे की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, और चूंकि हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी तो हमने अपना टाइम सेव कर लिया और अपना आंसर लिया। यहां पे चूंकि वैसा नहीं हो रहा था तो हमने दूसरे कोड को देखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी कभी केसेस में वो सब चीज भी आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्या सिर्फ एक ही से हम अगर अपना आंसर लेके आ जाएं दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम बचेगा। तो ये आपके अंदर कैसे आएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। हम यहाँ पे आपके सामने वेरियस टाइप्स ऑफ
जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, जो पैटर्न पूछे जा चुके हैं, उनको आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया फ्रेंड्स, आपको चीजें को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके अपना आंसर लेके आना है। यहाँ पे नंबरिंग वाला जो चीज है वो नहीं चलेगा, लुक इन टू द पैटर्न। ट्रिक क्या हो जाएगा, पैटर्न को आप देखिए, ऑब्जर्व कर लीजिए और अपना आंसर लेके आ जाइए फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है उसमें दे रखा है कि पर्पस को ऐसे लिखा गया है, पर्पस को कैसे लिखा गया है, पी यू आर पी ओ एस। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लिखा गया है, यू पी। इसको आप दोबारा जरूर लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप लिखते हो ना चीजों को तो उससे भी आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है कि आखिर हुआ क्या होगा। पी यू का क्या कर दिया, यूपी कर दिया। अब देखिए इसी को तोड़ के लिख दे, पी आर का क्या कर देंगे फ्रेंड्स, आरपी का क्या कर दिया इन्होंने, आरपी का क्या कर दिया, पी आर कर दिया। आरपी का क्या कर दिया, पी आर कर दिया। ओ एस का क्या कर दिया फ्रेंड्स, ओ एस का कोड में क्या कर दिया, एसओ कर दिया, और ई को एज इट इज रहने दिया। मतलब इंटरचेंज 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 एंड एज इट इज। ठीक है, उसी तरह आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वाटर का पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाटर का क्या कैसे लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे, हमने जो यहां पे जो जिस तरीके से लिखा है उसको यहां पे लिख देंगे, W A A W, T E E T, और R जो सिंगल लेटर बच गया वो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A W E T R, A W E T R। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A W E T R। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो था वो ऑब्जर्व करने का क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी हम टाइप टू में ही रखा है हमने। तो ऑब्जर्व हमने कैसे किया, उस क्वेश्चन का जो कोड दे रखा था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो लिख के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको दिख जाएगी चीजें होती हुई कि आखिर हुआ क्या होगा। पी यू आर पी ओ एस ई, हमने जैसे ही उसका लिखना शुरू किया, पी यू का यूपी देख लिया, आरपी का पी आर देख लिया, ओ एस का एसओ देख लिया, और लास्ट रिजल्ट था एज इट इज था, और उसके करस्पॉन्डिंगली हम अपना आंसर लेके आ गए फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो टाइप है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको जो अल्फाबेट दे रखा होता है उसकी एक नंबर दे रखी होती है, उसके करस्पॉन्डिंग फिर एक वर्ड दे रखा होता है, उसका एक नंबर दे रखा होता है, और आपसे एक थर्ड वर्ड का पूरा नंबर पूछा जाता है कि अगर एक थर्ड वर्ड है तो उसका नंबर क्या होगा, उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा उस लैंग्वेज में, तो आपको बताना होता है। तो यहां पे दे रखा है एफ की वैल्यू 6 है और फॉक्स की वैल्यू 45 है। ठीक है, तो इस पे हम कैसे अराइव करते हैं वो देख लेते हैं। F की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, 6 हो गई। फॉक्स को अगर हम लिखें, F की वैल्यू 6 हो गई, F की वैल्यू 6 हो गई, तो F अगर हम अल्फाबेट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, यहां तो दे रखा है कि इफ F इज इक्वल टू 6, यहां तो F की वैल्यू कुछ भी दे रखता था ना, तो F की वैल्यू 6 दे रखी है, तो अल्फाबेट में इसकी वैल्यू क्या होगी। अल्फाबेट में अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इजॉटी के कंसेप्ट से, इजॉटी के कंसेप्ट से F की क्या वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, EF होता है, E के बाद F होता है, E की वैल्यू क्या हो गई 5, F की वैल्यू 6। मतलब जो ऑलरेडी अल्फाबेट का जो नंबर है, ऑलरेडी अल्फाबेट का जो नंबर है उसे ही हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट नंबर होता उसका हम सॉल्यूशन कैसे लाते हैं वो अब हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो F की वैल्यू 6 दे रखी है, मतलब बाकी सारे भी जितने भी लेटर्स हैं उनकी जो ओरिजिनल अल्फाबेट में जो वैल्यू आएगी वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो F का क्या आता है फ्रेंड्स, 6 आ जाता है। O का क्या आ जाता है फ्रेंड्स, 15 आ जाता है। क्यों 15 आएगा, इजॉटी ओ इज 15, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, y की वैल्यू 24 है, x y 25 से एक का मतलब 24। अब इन तीनों को, ये जो तीन आपके नंबर्स आ गए, इससे आपको देखना है कि 45 कैसे बना सकते हैं। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये तीन चार चीजें होती है, उसको देख के मैक्सिमम केसेस में 99% केस में तो एडिशन ही होगा, लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है कुछ मल्टीप्लीकेशन भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम एडिशन चेक करेंगे। तो एडिशन अगर हम चेक करें, 6 प्लस 15 21, 21 प्लस 24 45, मतलब क्या है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये नंबर आ जाएगा, हमारा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स लायन की क्या कोड हो जाएगी, लायन के लिए क्या कोड हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे के एल, जे का मतलब क्या हो गया 10, के एल 12, E F G H I J, J की वैल्यू 10, I क्या है 10 से एक पहले, I की वैल्यू 9, O क्या है फ्रेंड्स, O क्या है 15,
और एन तो हमें पता होता है एम एन एम हो गया 13 क्योंकि वो हाफ में होता है, ठीक है, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। इनका अगर हम सम कर दें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 9 21, 21 प्लस 15 36, 36 प्लस 14 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 50, 36 प्लस 14 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 50, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या होते हैं, एफ इक्वल्स टू 6 दे रखा है कि इफ एफ इक्वल्स टू 6, ठीक है, अगर आपको दे रखा होता कि एफ इक्वल्स टू 7 है तो फॉक्स की वैल्यू 48 है तो लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एफ की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू 7 दे रखी है, ओरिजिनल जो अगर हम अल्फाबेट में लिखते हैं, अगर हम अल्फाबेट नॉर्मली लिखते हैं तो एफ की वैल्यू क्या आती फ्रेंड्स 6 आती, एफ की वैल्यू क्या आती 6 आती, और यहां का क्या दे रखा है एफ की वैल्यू 7, मतलब हमारा जो पैटर्न है अल्फाबेट का वो क्या है अल्फाबेट प्लस 1, हमारा जो पैटर्न होगा अल्फाबेट को नंबरिंग करने का वो क्या होगा अल्फाबेट प्लस 1, 6 प्लस 1, तो हमने क्या किया 6 प्लस 1 7, ठीक है, तो 6 प्लस 1 अगर हम 7 कर दें, 7 कर दें, ठीक है, यहां पे 6 प्लस 1 कर दिया। अब हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया है फ्रेंड्स, अब f की वैल्यू 7 दे रखी है 6 नहीं है, अब f की वैल्यू 7 है तो 7 कैसे आया फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल अल्फाबेट का वैल्यू था f की वैल्यू अगर हम नॉर्मली लिखते तो क्या लिखते 6, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 7 आ गया फ्रेंड्स, उसमें 1 ऐड कर दिया 7 आ गया। उसी तरह यहां पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब नए क्वेश्चंस में नया क्वेश्चन है ये न्यू क्वेश्चन है, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, o अगर 15 था तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो o की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 25, तो 16 7 23, 23 प्लस 25 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 23 प्लस 25 क्या हो जाएगा 48, तो क्वेश्चन में दे रखा है फॉक्स इज रिटन एज 48, तो नाउ आपको फाइंड करना है कि लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 12 से 1 ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है वो क्या है अल्फाबेट प्लस 1, वो हमने ऑलरेडी देखा f की वैल्यू 6 आनी थी लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इस बार कि f की वैल्यू 7 है, मतलब अल्फाबेट की जो ओरिजिनल वैल्यू है प्लस 1। उसी तरह तो l की वैल्यू अगर 12 आती तो इस केस में क्या हो जाता, नए वाले क्वेश्चन के केस में 13 हो जाता, ये क्या हो जाता 10 हो जाता, ये क्या हो जाता 16 हो जाता, 9 प्लस 1 10, 15 प्लस 1 16 एंड 14 प्लस 1 15, तो इसको जब हम ऐड करते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर जो है वो 54 हो जाएगा, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमने देखा क्या कि कुछ वैल्यू दे रखी होती है अल्फाबेट की, f इक्वल टू 6 ये तो नॉर्मल वैल्यू थी जो अल्फाबेट में एक्चुअली आता वही इन्होंने यहां पे दे दिया, उसके बाद एक वर्ड दिया उसका वैल्यू हमने दे दिया यहां पे, तो उस वर्ड का वैल्यू कैसे आ रहा है, एडिशन करके आ रहा है, डिवीजन करके आ रहा है, सब्सट्रैक्शन करके आ रहा है या मल्टीप्लीकेशन करके आ रहा है, वो हमने चेक कर लिया। उसके हिसाब से फिर फाइनल जब हमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि लाइन का मतलब निकालिए, जो पैटर्न यहां पे फॉलो हुआ, जो पैटर्न यहां पे फॉलो हुआ वही पैटर्न यहां पे भी फॉलो होगा और हमारा आंसर आएगा, वही पैटर्न यहां पे भी फॉलो होगा हमारा आंसर आएगा। और इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, जो नंबरिंग दे रखी होती है वो इंपॉर्टेंट था, अगर ये एफ का वैल्यू कुछ और ले लेता जैसे एफ की वैल्यू 7 ले लेता तो अब हम क्या करते, अब हम क्या करते अल्फाबेट में क्या किया है उन्होंने प्लस 1 कर दिया है, तो जब हम फॉक्स की वैल्यू निकालते हैं यहां पे तो सबको प्लस 1 करते, ओ को भी प्लस 1 करते जो एक्चुअल वैल्यू थी प्लस 1, एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू थी प्लस 1, एफ की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो भी प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7, 15 प्लस 1 16 और 24 प्लस 1 25, ठीक है फ्रेंड्स, उसको ऐड करके जो पैटर्न आता वही हमारे नए नंबर में भी पैटर्न आता, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक वेरिएशन और देख लीजिए, मान लीजिए यहां पे अगर क्वेश्चन दे रखा होता कि f की वैल्यू है 5, f की वैल्यू है 5, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, और फॉक्स की वैल्यू है, फॉक्स की वैल्यू है 42, तो आपको खुद ट्राई कीजिए, आपको यह बताना होगा कि लायन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब लायन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसका एक वेरिएशन तो हमने देख लिया, दूसरा वेरिएशन मैंने आपको करके दिया है कि f की वैल्यू जो ओरिजिनल में लिख सकते थे हम जो सही होती वो 6 होती, लेकिन अब एग्जामिनर आपको बोल रखा है कि f की वैल्यू 6 नहीं है उससे 1 कम है, उसी तरह फॉक्स की वैल्यू 45 अब नहीं है वो 42 है, तो लाइन की जो वैल्यू है वो आपको खुद कैलकुलेट करना है और आपको देखना है कि आपको चीजें जो है अभी तक जो हमने पढ़ रखा है वो समझ में आई या नहीं आई, ठीक है फ्रेंड। मैक्सिमम मैं उम्मीद करता हूं 100% लोग ऐसे ही होंगे जिनको ये चीजें यहां पे समझ में आ गई होंगी,
ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है हमारा वो भी सेम पैटर्न पे सवाल है। कलर का कोड दे रखा है 63, ठीक है। कलर का कोड क्या दे रखा है 63, कलर का कोड क्या दे रखा है 63। तो देख सकते हैं कि कैसे ये 63 आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो अल्फाबेट का जो नंबर रहेगा वही हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो सी की वैल्यू क्या होगी 3, ओ की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, ओ की वैल्यू क्या होगी 15, कैसे आई इजॉटी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी जे के एल, इजॉटी का जे इज 10, के एल दो एड कर देंगे 12 आ जाएगा। ओ की वैल्यू कैसे आएगी फ्रेंड्स, एल एम एन ओ या फिर इजॉटी का ई जे ओ 15। R की वैल्यू कैसे आएगी, आर एस टी इजॉटी का टी 20, उसे दो घटा देंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। तो 15 3 18, 18 12 कितना हो गया फ्रेंड 30, 30 प्लस 15 45 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 63। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह एलईडी को लिख के भी देख लेते हैं कि एलईडी में कुछ अलग कंसेप्ट तो नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एलईडी को क्या कोड रखा कर रखा है इन्होंने 21। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे आता है सबसे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 5, इजॉटी का 5, इजॉटी से ई का 5, डी क्या हो जाएगा 4, एल क्या हो जाएगा फ्रेंड जे के एल, इजॉटी का जे इज 10, के एल 2 ऐड कर दिया तो यहां पे इजॉटी क्या एल क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 12 हो जाएगा। तो 15 12 5 17, 17 4 21, मतलब यहां पे भी एडिशन हो रहा है। तो अगर दो जगह पे एडिशन हो रहा है तो आपसे लाइट की वैल्यू पूछ रखी है, लाइट की वैल्यू पूछ रखी है। तो लाइट में हमें क्या करना होगा, सबका नंबर लिखना होगा, उसको ऐड कर देना होगा। तो एल क्या आ गया फ्रेंड्स, एल ऑलरेडी यहां 12 लिख रखा है वो 12 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई क्या हो जाएगा आई जे, आई जे, जे की वैल्यू क्या आती है इजॉटी से 10, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ई एफ जी एच आई, जी एच आई जे, ठीक है, जी एच आई जे भी कर सकते हो या फिर ई एफ जी। E की वैल्यू कितनी होती है 5, एफ जी दो ऐड कर दिया 7। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जी एच, अगर जी 7 है तो एच क्या हो जाएगा 8। और टी इजॉटी का टी 20, इजॉटी का टी इज 20, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं आपस में, 12 9 21, 21 7 28, 28 8 36, और 36 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास फ्रेंड्स 56। इसको फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 8 28, 28 7 35, 35 9 44, और 44 प्लस 12, 44 प्लस 12 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 56, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे भी एक नंबर का कुछ वैल्यू दे रखा होता है, एक अल्फा एक वर्ड का कुछ वैल्यू दे रखा होता है, तो उस वर्ड को अल्फाबेट्स का हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद उनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कि यहां जो नंबर दे रखा होता है वो कैसे हम बना पाएंगे। जिस पैटर्न में वो नंबर बनेगा वही पैटर्न को हम जो क्वेश्चन पूछ रखा होगा उसमें हम लगा देंगे फ्रेंड्स। तो ये स्टेप होगा इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो टाइप है हमारा इसमें दे रखा है कि ये एक वर्ड है आपके पास, ये एक वर्ड है आपके पास, और बता आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इन वर्ड के प्रयोग से, इस वर्ड के प्रयोग से कौन सा ऐसा इन चारों में से वर्ड है जो आप लिख सकते हो। मतलब स्ट्रैंगुलेशन में कुछ अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं, उन अल्फाबेट्स को यूज करके आप इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है वो आप बना सकते हो, ये आपको दिया गया है फ्रेंड्स। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या सोचना होता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये सोचना होता है कि ये जो वर्ड आपको दे रखी होती है, यहां पे जो वर्ड दे रखी होती है, इसमें कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो इन ऑप्शंस में है या नहीं है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो हम यहां पे ऐसा देखेंगे कि इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहां पे, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो कि स्ट्रैंगुलेशन में नहीं है। तो गौर से अगर देखिएगा इसको, तो ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो यहां पे बी है और बी इस वर्ड में कहीं नहीं आता है। उसी तरह एन है यहां पे, तो एन तो यहां पे प्रेजेंट है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। ई को अगर हम देखें, ई भी कहीं भी स्ट्रैंगुलेशन में नहीं आता है, स्ट्रैंगुलेशन में ई कहीं भी नहीं आता है। उसी तरह डी जो है, डी भी स्ट्रैंगुलेशन में कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली किया क्या, ट्रिक क्या यूज करी कि जो भी आपका जो ये दे रखा था, आपका जो वर्ड दे रखा था, उसमें कोई एक यूनिक वर्ड हमने, यूनिक अल्फाबेट खोजा और उसको देख लिया कि ये इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये इसमें प्रेजेंट नहीं था तो इस वर्ड से तो हम वो वर्ड तो बना नहीं सकते। अगर यहां पे बी प्रेजेंट नहीं है, अगर स्ट्रैंगुलेशन में बी नहीं है तो बी तो आपके आंसर में आ नहीं सकता है, तो बी यहां पे भी नहीं आया। उसी तरह स्ट्रैंगुलेशन में ई नहीं है तो ई तो आपके ऑप्शन में नहीं आएगा। उसी तरह स्ट्रैंगुलेशन में कहीं भी डी प्रेजेंट नहीं है तो डी भी आपका किसी आंसर में नहीं आएगा। तो इस बेसिस पे हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जो भी आपको अल्फाबेट्स दे रखी होती है, जो भी वर्ड दे रखा होता है, उनमें से कुछ हम अल्फाबेट्स निकालते हैं जो कि आपके किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, और उसके बेसिस पे आप अपना जो विकल्प है वो एलिमिनेट कर लेंगे और आप अपना आंसर लेके आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला टाइप है, इसमें दे रखा होता है कि कुछ एक टाइप का सेंटेंस दे रखा होता है और उसका कुछ नंबरिंग दे रखा होता है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, इनको सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे शी इज ब्रेव दे रखा है, शी इज ब्रेव इज कोडेड एज क्या, 5, 2, 3। अब इसमें से शी इज ब्रेव तीन अलग अलग वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, तो तीन अलग अलग वर्ड्स का कोड दे रखा है। एक वर्ड कोई सा भी इनमें से 5 हो सकता है, एक वर्ड कोई सा भी इनमें से 2 हो सकता है, और कोई भी इनमें से वर्ड एक 3 हो सकता है, ठीक है। तो या तो शी हो जाए 5, 2 या 3, या इज हो जाए 5, 2 या 3, या फिर ब्रेव हो सकता है 5 या फिर 2 या फिर 3, ठीक है। तो इसको डेसिफर कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अगला दे रख क्वेश्चन में क्या दे रखा है अगला सेंटेंस वो पढ़ते हैं। शी ऑलवेज स्माइलिंग, शी ऑलवेज स्माइलिंग, तो यहां पे भी तीन वर्ड्स हैं फ्रेंड्स हमारे पास, और इसका क्या कोड दे रखा है, इसका कोड दे रखा है 673। अब यहां पे हमें अपना लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों ही सेंटेंस में कॉमन क्या है, शी। इन दोनों ही सेंटेंस में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, शी। शी यहां पे भी है, शी यहां पे भी है। उसी तरह इन कोड्स में कॉमन क्या है, 3। तो शी की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी। शी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, दे रखा है 782 का अर्थ है इज ऑलवेज चेयरफुल, इज ऑलवेज चेयरफुल। इसका क्या कोड है फ्रेंड्स, 782। इसका कोड क्या है फ्रेंड, 782। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चेयरफुल का क्या कोड, चेयरफुल के लिए हम कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इज कहां कहां पे है, इज कहां कहां पे है, इज यहां पे है और इज कहां पे है, यहां पे है, ठीक है फ्रेंड्स। और इज की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, शी के लिए ऑलरेडी हमने 3 यूज कर रखा था, तो इज क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इज क्या क्या हो सकता है, या तो 5 हो जाए या तो 2 हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह यहां पे इज का क्या क्या कोड दे रखा है, 782। मतलब इसको अगर हम देखें, सिर्फ इस सेंटेंस को देखें, तो इज का क्या कोड हो सकता है फ्रेंड्स, या तो 7 हो जाए या फिर 8 हो जाए या फिर 2 हो जाए या फिर 2 हो जाए। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इज या तो 5 या 2 हो सकता है, इज या तो 7, 8 और 2 हो सकता है, तो दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, 2। तो इज की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, इज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर हम ऑलवेज को चेक करते हैं, हमें क्या चाहिए, चेयरफुल। चेयरफुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, या तो 7 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, इज, या तो 7 होगा या तो 8 होगा, ये दोनों ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं, इज ऑलवेज चेयरफुल, तो ऑलवेज कहां कहां है फ्रेंड्स, ऑलवेज कहां है, ऑलवेज यहां पे भी है और ऑलवेज यहां पे भी है। तो यहां से अगर देखें तो ऑलवेज की क्या वैल्यू आनी चाहिए फ्रेंड्स, 6 आनी चाहिए या फिर क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। और यहां से अगर ऑलवेज का देखें, यहां से ऑलवेज का देखें, तो 2 तो ऑलरेडी इज के लिए आ चुका है, 2 तो ऑलरेडी इज के लिए आ चुका है, तो
यहां से ऑलवेज का क्या वैल्यू आना चाहिए, या तो 7 आना चाहिए या तो यहां पे 8 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे ऑलवेज की वैल्यू 6 या 7 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 ऑलरेडी हमने शी के लिए रिजर्व कर दिया है, 3 ऑलरेडी शी का वैल्यू है, तो ऑलवेज या तो 6 होगा या तो 7 होगा, ऑलवेज या तो 6 होगा या तो 7 होगा। यहां पे भी ऑलवेज की वैल्यू या तो 7 होगी या तो 8 होगी। क्यों? 2 ऑलरेडी इसका वैल्यू हमने निकाल दिया है पहले, तो ऑलवेज यहां पे या तो 7 होगा या 8 होगा, ऑलवेज यहां पे या तो 7 या 6 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, ऑलवेज को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। तो ऑलवेज को अगर 7 होना पड़ गया, ऑलवेज को अगर 7 होना पड़ गया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं फ्रेंड, जो चेयरफुल होगा वो क्या हो जाएगा, 8। चेयरफुल क्या हो जाएगा, 8। 7 क्या है, ऑलवेज, 2 क्या है, इज, तो 8 क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 8 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, चेयरफुल। चेयरफुल का क्या कोड, क्या नंबरिंग हो जाएगी फ्रेंड्स, 8 हो जाएगी। उसी तरह जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए स्माइलिंग पूछा होता क्वेश्चन में, तो स्माइलिंग की क्या वैल्यू हो जाती है फ्रेंड्स, ऑलवेज के लिए 7 हो गया, शी के लिए 3 हो गया, तो स्माइलिंग की क्या वैल्यू हो जाती है फ्रेंड्स, 6। उसी तरह अगर आपसे ब्रेव पूछा रखा होता क्वेश्चन में, तो ब्रेव का वैल्यू क्या हो जाती है फ्रेंड, शी के लिए क्या हो गया, 3। इसके लिए हमने ऑलरेडी देख लिया इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ब्रेव हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 5 हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं वो हमने यहां पे देख लिया। आप सेंटेंस लिखिए, करस्पॉन्डिंग कोड लिखिए, दूसरा जो सेंटेंस दे रखा होगा उसके करस्पॉन्डिंगली कोड लिखिए, तीसरा जो सेंटेंस दे रखा होगा उसके करस्पॉन्डिंगली कोड देखिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो कॉमन एलिमेंट्स थे जहां जहां, जैसे शी यहां पे था, शी यहां पे भी था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डेसिफर किया कि शी की वैल्यू अगर 5, 2, और 3 में से कोई एक हो सकती है, यहां पे शी की वैल्यू 6, 7, 3 में से कोई एक हो सकती है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या था, 3। तो हमने क्या बोला, शी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 यहां पे भी आना है, 3 यहां पे भी आ रहा है, और वो शी यहां पे भी आ रहा है, शी यहां पे भी आ रहा है, तो 3 जो कोडिंग होगी वो शी के लिए होगी। वैसे ही हमने सारे जो अल्फाबेट, सारे जो वर्ड्स दे रखे थे, उनका अलग अलग तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करके कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पिछले ही टाइप का कुछ कोरोलरी है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। तो रडार का कोड क्या दे रखा है फ्रेंड, रडार का क्या कोड दे रखा है आपको, ये रडार हो गया, तो यहां पे क्या दे रखा है, स्टार या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर स्टार या फिर क्वेश्चन मार्क, या 4, 1, 2, 3, 4 और यहां पे हैश। उसी तरह डोर का क्या कोड दे रखा है फ्रेंड्स, डोर का क्या कोड दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, हैश, परसेंटेज, परसेंटेज और लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जस्ट देखा शी इज ब्रेव का क्या कोड दे रखा था, 5, 2, 3, उससे हम क्या डेसिफर कर रहे थे, तो शी या तो 5, 2 या 3 में से कुछ होगा, इज 5, 2, 3 में से कुछ होगा, या फिर ब्रेव 5, 2, 3 में से कुछ होगा, उसको कैसे लॉजिकली फिर डिराइव करना है, फिर हमने आगे के सेंटेंस को पढ़ के किया। यहां पर भी सेम चीज फॉलो होगा फ्रेंड्स, रडार में देखिए कि कुछ सिंबल्स हैं जिसको ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ये जो वर्ड है कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर हम देखें तो आर दो बार है, आर जो है वो दो बार है, और यहां पे ऐसा कौन सा सिंबल है जो दो बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, वो स्टार है या क्वेश्चन मार्क है, मतलब आर की जो वैल्यू है या तो स्टार हो जाएगी या फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह ए जो है, ए भी दो बार रिपीट हो रहा है, ए भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये भी या तो स्टार हो जाएगी या तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगी, इन दोनों में से क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसी तरह डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी जो बच गया, तो आर की वैल्यू या तो स्टार और क्वेश्चन मार्क है, ए की वैल्यू या तो स्टार और क्वेश्चन मार्क है, तो बच क्या गया, डी, और यहां पे क्या बच गया हमारे पास, हैश। इसका मतलब हम क्या डेसिफर कर सकते हैं, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हैश। उसी तरह इन दोनों अल्फाबेट्स को हम यहां पे देखें, ओ जो है रिपीटेड है, और यहां पे क्या रिपीटेड है फ्रेंड्स, सिंबल्स में परसेंटेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ की जो वैल्यू है, ओ की जो वैल्यू है वो क्या है, परसेंटेज, ओ की जो वैल्यू है वो क्या है, परसेंटेज, और जो बच गया, डी का हैश हो गया, ओ का परसेंटेज हो गया, तो आर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क।
आर का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और आर का अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, आर का क्वेश्चन मार्क हो गया, तो आर स्टार नहीं हो सकता है, आर स्टार नहीं हो सकता है, और ए क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, स्टार। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, स्टार। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, स्टार। अब हमने कोड तो डेसिफर कर लिया, उससे आंसर लेके आ जाते हैं। डैम पूछ रखा है, डैम में क्या आना चाहिए, डी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, डी की वैल्यू क्या आना है, हैश। तो एक हैश आना चाहिए, ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, स्टार, एक स्टार आना चाहिए। और एम की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, एम की वैल्यू हमने निकाली नहीं कि एम क्या होगा, तो एम को हम रहने देते हैं, क्योंकि अगर एम की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते तो कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर आपके लिए छोड़ा ही होगा क्वेश्चन में। तो हमारे जो आंसर्स हैं, आंसर्स में क्या आना चाहिए, हैश और स्टार तो आने ही चाहिए। तो यहां पे वो चीजें नहीं है, यहां पे प्रेजेंट है तो ये हो सकता है, यहां पे भी प्रेजेंट है हैश और स्टार तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पे चूंकि यहां पे स्टार प्रेजेंट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से हम क्या निकाल, इन दोनों में से हम क्या देख सकते हैं कि यहां पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क और यहां पे दे रखा है ये साइन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमने किसके लिए डेसिफर किया था फ्रेंड्स, आर के लिए किया था, आर तो हमें प्रेजेंट है नहीं इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आर इस ऑप्शन को हमने कैसे एलिमिनेट किया फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन मार्क दे रखा था, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आर निकाली थी। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, डैम, डैम अगर क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि यहां पे कहीं पे भी आर नहीं है, तो यहां पे कहीं पे भी आर नहीं है तो आपके आंसर्स में कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। तो यहां पे चूंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा था तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर एक शॉर्ट ट्रिक से देखें इस क्वेश्चन के फ्रेम में, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप ऑब्जर्व करके, जब ऑब्जर्व कैसे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, यहां एक आपके लिए क्या किया गया था, यहां आपके लिए एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, क्या, एम। यहां पे जो आपके लिए एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, एम, एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंड्स। तो एक नया अल्फाबेट अगर आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है यहां पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके आंसर्स में, आपके आंसर्स में एक नया सिंबल होना चाहिए, और एक नया सिंबल होना चाहिए तो वो नया सिंबल किस आंसर्स में है फ्रेंड्स, ये वाले आंसर में, और कहीं पे भी कोई नया सिंबल प्रेजेंट नहीं है। नया सिंबल का मतलब क्या है, इन सिंबल्स के अलावा, स्टार, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज और हैश, इनके अलावा कोई एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहां पे एक नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब चूंकि यहां पे नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक नया सिंबल आना चाहिए था। नया सिंबल को अगर हम यहां पे देखें, नया सिंबल को अगर हम यहां पे देखें तो वह बस इसमें ही प्रेजेंट है, बाकी किसी भी आपके आंसर्स में ये प्रेजेंट नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी वेरिएशंस हो सकता था फ्रेंड्स, कि आप डायरेक्ट इस ऑप्शन को देख के ही अपना आंसर ले आओ, वो क्या हो सकता था फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहां पे जो बाकी तीन जो आपको दे रखे होते, बाकी तीन जो दे रखे होते उसमें सिंबल्स रिपीट हो जाते, क्या हो जाता, मान लीजिए आपको अब यहां पे नया कुछ दे रखा होता, पहला जो आपका विकल्प रहता वो क्या रहता, पहला जो विकल्प रहता हैश, हैश और परसेंटेज, दूसरा विकल्प अगर आपको दे दिया गया होता, क्या दे दिया गया होता, स्टार, स्टार और यहां पे क्वेश्चन मार्क, तीसरा हम एज इट इज रहने देते हैं जो यहां पे दे रखा है, और चौथा विकल्प अगर आपको दे दिया होता यही रहता, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क और हैश, तो ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, जो सिंबल है वो रिपीट हो रहे हैं, सिंबल जो है यहां पे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चंस में क्या है कि कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस बेसिस पे आप अपना विकल्प एलिमिनेट कर लेते कि चूंकि एक भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है तो सिंबल्स को भी आपस में रिपीट नहीं होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत हो जाता, ये भी आपका गलत हो जाता, और ये ऑप्शन तो आपका जो लास्ट में दे रखा है वो तो गलत हो जाता और आपका आंसर ये आया था। तो सेकेंड केस में हमने क्या देखा कि कुछ और भी आपको अलग विकल्प दे रखा होता है तो उसके बेसिस पे आप कैसे अपना एलिमिनेट करके, विकल्पों को एलिमिनेट करके सही आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमने देखा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये दो चीजें होती हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको दे रखे होते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना होता है फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं इस डायरेक्शन में आप सोचोगे, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, उसी का एक एक्सटेंशन है, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा जो बेसिक मेथड है उसको लगा लेते हैं यहां पे। ठीक है, इसका कुछ कोड दे रखा है, परसेंटेज स्टार क्वेश्चन मार्क और हैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको जो हमने अभी जब जो विकल्प को जो एलिमिनेट करके आंसर लाया उसके बेसिस पे हम इसका आंसर्स लेके आते हैं कि इसका कुछ उस टाइप का उससे उस प्रोसेस को फॉलो करके वो आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है वो हम यहां पे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रीज को अगर हम देखें तो ई जो है तीन बार है। ई क्या है, तीन बार है, मतलब आपके आंसर में एक सिंबल जो होगा वो तीन बार आएगा। एक सिंबल जो होगा वो कितनी बार आएगा, तीन बार आएगा, क्योंकि ई तीन बार आया हुआ है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो सिंबल होगा वो तीन बार आपके विकल्प में आना चाहिए। वो चेक करते हैं, यहां पे कोई ऐसा सिंबल है क्या जो तीन बार आया है, नहीं आया है, ये आपका आंसर नहीं हो जाएगा। यहां पे ऐसा कोई सिंबल है क्या जो तीन बार आया है, जी हाँ आया है, ये आपका आंसर हो सकता है। यहां पे जो आपका विकल्प है इसमें ये वाला सिंबल तीन बार आया तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। यहां पे कोई ऐसा सिंबल है क्या जो तीन बार आया है, नहीं आया, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। तो ये दोनों तो चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं जेड दे रखा है। जेड एक नया एलिमेंट, तो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नया हो। जेड एक नया एलिमेंट है फ्रेंड, जेड एक नया अल्फाबेट है जो कि यहां पे नहीं है। जेड अगर यहां पे नहीं है तो जेड ये इन चारों में से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नया सिंबल होगा जेड के लिए इंट्रोड्यूस किया गया होगा, और वो सिंबल जो होगा वो भी बस एक बार आएगा। क्यों, क्योंकि जेड भी एक ही बार है। जेड अगर रिपीटेड फॉर्म में रहता तो जो नया सिंबल रहता, जो नया सिंबल आपका इंट्रोड्यूस होने वाला था आपके आंसर में, वो भी रिपीटेड फॉर्म में रहता। चूंकि जेड यहां पे नया एलिमेंट है, नया अल्फाबेट है इसके और वो भी एक टाइम प्रेजेंट है, तो जो नया सिंबल आएगा वो भी एक टाइम प्रेजेंट होना चाहिए आपके आंसर में। देखते हैं यहां पे कोई नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया है क्या, यहां पे किया गया एट द रेट और यहां पे ये वाली साइन, लेकिन ये जो नया वाला सिंबल है वो एक ही बार आना चाहिए था क्योंकि Z एक ही बार है। यहां पे जो नया सिंबल है वो दो बार आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन हमने कैसे एलिमिनेट किया फ्रेंड्स, Z जो था एक नया अल्फाबेट था, Z के करेस्पॉन्डिंग एक नया सिंबल आना था, Z एक ही बार प्रेजेंट था आपके क्वेश्चन में, तो जो नया सिंबल आता वो भी एक ही बार आता आपके आंसर्स में। यहां पे दोनों ही जगह पे नए सिंबल्स आए, यहां पे एट द रेट आया और यहां पे ये वाला साइन आया, लेकिन इस वाले विकल्प में ये वाला जो साइन है वो दो बार है जो कि नहीं होना चाहिए था। नया सिंबल एक ही बार आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि जेड जो है जो नया अल्फाबेट है वो एक बार इंट्रोड्यूस हुआ था, वो वन टाइम यहां पर रिटर्न है, तो नया सिंबल सिर्फ वन टाइम रिटर्न होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाता फ्रेंड्स, आपका आंसर डायरेक्ट बी आया था। और इस क्वेश्चन को और छोटे तरीके से अगर आप देखते हैं, तो डायरेक्ट जेड को देखते हैं। जेड क्या है, नया एलिमेंट है, नया एलिमेंट के लिए नया सिंबल, नया एलिमेंट के लिए नया सिंबल। यहां पे नया सिंबल कौन सा है फ्रेंड्स, ये हैश वाला है, नया एंड वाला साइन है। यहां पे नया सिंबल एट द रेट था, यहां पे नया सिंबल क्या था फ्रेंड्स, यहां पे नया सिंबल क्या था, ये वाला सिंबल था, और यहां पे कुछ नया सिंबल नहीं था, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाता। उसके बाद फिर आप ई को देखते हैं, ई तीन बार रिपीटेड है, तीन बार रिपीटेड वाला, यहां पे सिंबल कोई था नहीं, ये खत्म हो जाता। ठीक है, और यहां पे चूंकि दो बार नया सिंबल आया था ये वहां से खत्म हो जाता, तो आपका आंसर क्या आया था, ये आया था फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें एग्जाम्स में सोचना होता है, विकल्प को देख के आपको ये देखना है कि सही विकल्प कैसे आप एलिमिनेट करके ला सकते हो, ये भी आपको एग्जामिनेशन में कैसे सोचना है वो भी हमने यहां पे सीख लिया फ्रेंड। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है कि एक इन सारे वर्ड्स में एक पर्टिकुलर पैटर्न फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है इस वर्ड्स में, कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बाकी तीनों में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको बताना है कि वो वर्ड कौन सा है जिसमें वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिंपल जो बेसिक हमने सीख रखा है कि इनको नंबरिंग करो और अपना आंसर लेके आओ। तो डी ई एच एल ओ को अगर हम नंबरिंग करें, डी ई एच एल ओ को अगर हम नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी का क्या हो जाएगा 4, ई का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई का क्या हो जाएगा 5, एच का क्या हो जाएगा ई एफ जी एच, मतलब ई से 3 है, इजॉटी का ई से 3 है, तो एच क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा। उसी तरह एल क्या हो जाएगा फ्रेंड, जे के एल, इजॉटी का जे इज, इजॉटी का जे इज 10, के एल मतलब एल हो जाएगा 12, और ओ क्या हो जाएगा, इजॉटी का ओ से क्या निकाल लेंगे हम, ओ की वैल्यू 15, तो ओ की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स हमारे पास 15 आ गई। ठीक है, तो क्या कुछ रिलेशन बन रहा है 4, 5, 8, 12, 15, ठीक है, इसको बाद में वेरीफाई करते हैं। उसी तरह वाई डब्ल्यू यू एस आर को लिख लेते हैं, वाई डब्ल्यू यू एस आर को अगर हम लिखें तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई की वैल्यू 25 इज ऑटी में, तो उससे 2 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 23। ठीक है, उसी तरह यू की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, एस टी यू, टी की वैल्यू क्या आती है 20, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 21, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस टी, टी की वैल्यू 20 होती है तो एस की वैल्यू 19 हो जाएगी। उसी तरह आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस टी, तो एस से 1 पहले, तो यहां पे क्या हो जाएगा 18। ठीक है, उसी तरह अगर इसका वैल्यू लिखें, इसकी वैल्यू लिखें, एल की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, जे के एल मतलब एल इज 12, ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ की वैल्यू इजॉटी से 15, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने जस्ट निकाला था आर की वैल्यू क्या होती है 18, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यू हमने ऑलरेडी निकाला था एस टी यू 21, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड, वाई की वैल्यू 25 इजॉटी से, तो इजॉटी से 1 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 24। तो हमने 3 नंबर्स देखे हैं, और इस नंबर में, ये वाले विकल्प में क्या हो रहा है, 12 + 3 = 15, 15 + 3 = 18, 18 + 3 = 21, 21 + 3 = 24, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है जो बाकियों में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जहां भी आपको दे रखा हो कि 4 वर्ड दे रखे हैं, उसमें कुछ आपस में कुछ रिलेशन है, हम क्या करते हैं सबकी नंबरिंग करते हैं और उस नंबर से कुछ रिलेशन फाउंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उस नंबर्स में आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जिसमें वो ऑप्शन में बन रहा होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा कि हाँ भाई इन चारों में से एक जो आपका जो वर्ड है, एक जो आपका वर्ड है उसमें कुछ रिलेशन बन रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला टाइप है, क्वेश्चन दे रखा है कि सिलेंडर जो है, सिलेंडर को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए तो ऐसा कौन सा लेटर है जो कि फर्स्ट लेटर से सबसे दूर में है। तो फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, सी है, और इसको अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो लास्ट लेटर क्या आ जाएगा अल्फाबेट में, वाई आ जाएगा, लास्ट लेटर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वाई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विच, कौन सा लेटर ऐसा है जो कि फर्स्ट लेटर से सबसे दूर में है, फर्स्ट लेटर से सबसे दूर में है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी से सबसे दूर में कौन सा है, वाई है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वाई आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे टाइप्स हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के टाइप्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जामिनर किस एंगल से तक सोच सकता है, इसलिए उन टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ आपको करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में भी कुछ पैटर्न फिक्स हो जाए कि हाँ भाई इस पैटर्न से हमें सोचना है। ठीक है, तो उसी का एक वेरिएशन था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे रखा होगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला सवाल है कि मियांडर को ऐसे कोड किया जा रहा है तो मैथमेटिक्स को कैसे कोड किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे कि आपको ये m का यहाँ पे 4 दे रखा होगा, उसी तरह e का 5 कोड दे रखा होगा, तो हम क्या करते हैं कि m के करस्पॉन्डिंग क्या कोड करेंगे, 4 कोडिंग करेंगे। e के करस्पॉन्डिंग क्या कोडिंग करेंगे, 5 कोडिंग करेंगे। a के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, a के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 1 का कोड करेंगे। और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपना विकल्प में देख लेंगे कि कौन सा विकल्प इनमें से सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 4415। हमारे आंसर में जो इनिशियल 3 लेटर्स हैं वो कैसे आना चाहिए, 4-1 और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हो और ई के पोजीशन पे 5 आना चाहिए। यहाँ के बीच में कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे और ई के पोजीशन पे 5 आ जाएगा। तो अगर हम इन सारे विकल्पों को देखें तो इसमें जो पहला है ये तो 6 से शुरू हो रहा है, ये होगा नहीं हमारा आंसर। ये डी जो है ये 5 से शुरू हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर इन दोनों में कुछ हो सकता है। एम का कोड हमने क्या लिखा, 4। एम का कोड हमने क्या लिखा, 4। और ए का कोड हमने क्या लिखा, 1। ए का कोड हमने क्या लिखा, 1। तो सेकेंड लेटर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए ए के करस्पॉन्डिंग में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये, और ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। और इसको एक बार मैच कर लेते हैं। ई के करस्पॉन्डिंग हमने क्या देखा था, 5 आना चाहिए। तो ई के करस्पॉन्डिंग ई कौन सा लेटर है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ लेटर शुड बी ई, फिफ्थ लेटर शुड बी 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ एलिमेंट जो है हमारा वो 5 होना चाहिए था, ये हमने ई के थ्रू मैच कर लिया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो ये भी हमें एक बार या 2-3 क्वेश्चंस में ये भी ट्राई करके देखना चाहिए कि क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं उनको यहीं पे हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ मियांडर का कोड दे रखा था, हम कुछ नया कोडिंग करेंगे और ये टोटली नया ही क्वेश्चन होगा। तो टोटली जैसे नया क्वेश्चन होगा तो उसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि मान लो आपको दे रखा होता है रैट का कोड, दे रखा है और इसमें जो कोडिंग इन्होंने जो कोडिंग करी होगी वो कैसे करी होगी। तो ए को इन्होंने माना होगा 01, 1 नहीं माना होगा, 01 माना होगा। टी को क्या माना होगा, टी का जो वैल्यू क्या रहता है, 20। टी का वैल्यू इजॉटी से 20 आता है, तो ये तो 20 दे रखा होगा। और आर एस टी 20 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जो आपको कोड दे रखा होगा, इस टाइप से 18, 01 और 20। तो इससे भी हम लोगों को घबराना नहीं है कि यहाँ पे 3 ही अल्फाबेट है और यहाँ पे हमारे पास 6 लेटर्स दे रखे हैं। तो हमें किसी की भी केसेस में, कुछ क्वेश्चंस के केसेस में दो दो जो आपको नंबर दे रखा होता होगा उनको देख के भी हमें कुछ प्रेडिक्ट करना होता है। वो कुछ कुछ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके थ्रू आपके अंदर आएगा। या फिर इसको लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे वो 18 लिख देंगे, यहाँ 01 नहीं लिखने के बजाय सिर्फ 1 लिख देंगे और फिर 20 लिख देंगे। तो ये चीजों को आपको विजुलाइज करना होगा कि अगर रैट इस टाइप से लिखा गया है तो क्यों लिखा गया होगा। टी का यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। ए का यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। और आर का यहाँ पे क्या आ गया, 18 आ गया। तो इस टाइप से भी कोडिंग हो सकती है। और इसके बाद आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ये बता दो कि कैट की कोडिंग क्या होगी। तो कैट की कोडिंग क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर इस टाइप से नंबर दे रखा हो, इसका हम बाद में देखेंगे, इस टाइप का अगर रैट का कोड ये दे रखा हो 18120, तो कैट की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो टी का हमने क्या दे रखा है आखिरी में, इसको 20 लिख दो। ए का क्या कोड है, 1 है, 01 नहीं है, इस केस में 1 आ जाएगा। और सी का क्या कोड होगा, वो दोस्तों 3 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3120। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि रैट इज कोडेड एज लाइक दिस 180120, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 होता है, तो यहां पे हम 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 03। ए का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, यहां पे ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 01। और टी की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 20 होती है इज और टी से, तो यहां पे 20। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 03, 01 और 20। तो ये कुछ वेरिएशंस होता है जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा उसका। तो ये सब चीजों को भी आपको अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या दे रखा है कि इंग्लिश को हम लोग ये बोलते हैं तो पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि इनकी नंबरिंग करनी होती है,
इनकी नंबरिंग करनी होती है, उससे हमको अपना आंसर लेके आना होता है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। ई का क्या नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स? ई का क्या नंबर हो जाएगा? 5। ठीक है। एन का क्या नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स? एम और एन। एम क्या होता है? 13। आधा लेटर जब अल्फाबेट को पूरा डिवाइड करते हैं तो आधा में क्या आता है? एम आता है। तो एम अगर 13 है तो एन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 14 हो जाएगा। उसी तरह जी की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई एफ जी। ई की वैल्यू क्या होती है जोटी से? 5। एफ जी 2 ऐड कर देंगे तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। उसी तरह एल की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? जे के एल। जे होता है जोटी में 10, के एल 2 ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। एल का वैल्यू 12 आ जाएगा। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? आई का वैल्यू क्या जाएगा? ई एफ जी एच आई जे। तो जे इजॉर्टी में 10 आता है तो आई कहां जाएगा? एक पहले, मतलब 9। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 9 हो जाएगी। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस टी। इजॉर्टी में टी इज 20 तो एस क्या हो जाएगा? 19। एस क्या हो जाएगा? 19। और लास्ट अगर देखें एच ई एफ जी एच, ई एफ जी एच तो ई कितना है? 5। एफ जी एच उसमें 3 ऐड कर देंगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? हमारे पास 8 आ जाएगी। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 8 आ जाएगी। इसको अलग से लिख सकते हैं। इंग्लिश का ई क्या आ गया? 5 आ गया। एन क्या आ गया? 14 आ गया। जी क्या आ गया? 7 आ गया। एल क्या आ गया? 12 आ गया। आई की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। एस की वैल्यू क्या हो गई? 19। और लास्ट वाला जो एच का वैल्यू है उसका क्या वैल्यू हो जाए यहां पे लिख देंगे? 8। ठीक है। उसी तरह अगर डब्ल्यू एन यू ओ एस आई टी का हम नंबरिंग करें तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? 25। उससे अगर 2 घटाते तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही है फ्रेंड्स? 23। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई? 23। उसी तरह एन की वैल्यू क्या होगी? एन तो हम जानते ही, एन की वैल्यू क्या है? 14। एन की वैल्यू क्या है? 14। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? टी यू एस टी यू। इजॉर्टी में टी इज 20 देन यू इज 21। यू इज 21। ठीक है। उसके बाद ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। इजॉर्टी का 15। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? एस की वैल्यू आर एस टी। टी का मतलब 20। 20 से एक पहले एस टी मतलब 19। उसके बाद आई की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? आई हमने जस्ट यहां पे देखा था, आई जो है 9 पे आ जाएगा तो आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इजॉर्टी का टी तो 20 आ जाएगा। ठीक है। तो हर नंबर्स को घेर लिए ताकि सेपरेटली हमें पता चले। तो फाइनली आप देख सकते हैं क्या कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है? 23, 5, 28, 14, 14, 28, 21 और 7, 28, लेकिन 15 और 12, 27। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखें 19 और 9, 28, 19 और 9, 28, 8 और 20, 28। ठीक है। तो इसका मतलब क्या? दो पोजीशन है जो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर रखा है, उस जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, हमने 27 वाला एक क्वेश्चन किया था जो सम आ रहा था, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक तरीके से। जब दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्यों किया है। ठीक है। तो पैटर्न का क्या होगा? पैटर्न का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? एलेवन ओ पी। ओ इज इजॉर्टी 15 और उसमें एक ऐड कर देंगे तो पी मिल जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। एलेवन ओ पी। O is 15, then P is 16. A की वैल्यू 1, T की वैल्यू इजॉर्टी 20, फिर से T की वैल्यू 20, डबल T है ना, E की वैल्यू फिर से 5, R की वैल्यू आर एस टी, टी फॉर इजॉर्टी में 20, उसे 2 पहले, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। और लास्ट में एन दे रखा है तो एन की वैल्यू तो 14 है। एन की वैल्यू 14 है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें करना क्या है, यहां जो लेटर आ रहा है, यहां जो लेटर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 28। तो यहां पे जो लेटर आएगा, यहां पे जो लेटर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? 12। क्यों? 16 + 12 = 28। तो 12 पे हमारे पास कौन सा लेटर है फ्रेंड्स? 10 पे क्या होता है? इजॉर्टी का जे, उसमें 2 ऐड कर देंगे, के और एल। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एल। ठीक है फ्रेंड्स। 1 और उसमें क्या हम ऐड करेंगे? 1 प्लस कितना होना चाहिए? 28 सम होना चाहिए।
1 + 27, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 + 27 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 + 27 करें तो 28 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले बाकी सबों का हम एडिशन करके देख लेते हैं। तो 20 में हमें क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है। 20 में हमें क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है, जिससे कि हमारा सम 28 हो जाए। तो 8th पोजीशन में कौन सा लेटर होगा फ्रेंड्स, 8th पोजीशन में कौन सा होगा, जे के, जे इज इजॉटी का जे इज 10, उससे दो पहले, मतलब ई एफ जी एच आई जे, एच आई जे, ठीक है। तो जे 10 हो गया तो 8th कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, एच हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, एच, ठीक है। यहां पे क्या आएगा फ्रेंड्स, एच आएगा क्या, अभी तो सम 28 चल रहा है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे भी एच आना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या नंबर आएगा, 8 + 20 = 28, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम पैटर्न को देखें, जो हमारा फोर्थ लेटर था, जो हमारा फोर्थ लेटर था, उसमें सम कितना हो रहा था फ्रेंड्स, 27, उसमें जो सम हो रहा था 27 हो रहा था, तो यहां पे भी सम 27 ही होना चाहिए। तो यहां पे अगर सम 27 होगा तो यहां पे कौन सा लेटर आ जाएगा फ्रेंड्स, जो 7 नंबर पे होगा, 20 + 7 = 27, और 7th नंबर पे कौन सा लेटर होगा फ्रेंड्स, इजॉटी का ई इज 5, ई एफ जी, तो यहां पे जी आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे जी आ जाएगा। उसी तरह 5 और प्लस यहां जो लेटर आना है उसका सम कितना होना है, 28 होना है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 23rd लेटर, तो 23rd लेटर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इजॉटी में अगर हम देखें तो 20 is T एंड यू वी डब्ल्यू, तो W इज 23rd लेटर, ठीक है। उसी तरह 18 में हम क्या ऐड करेंगे, 10, तो 28 मिल जाएगा हमें। तो 10th लेटर क्या होता है फ्रेंड्स, इजॉटी का J होता है 10th लेटर, तो डायरेक्टली इसको यहां पे लिख लेते हैं। और फाइनली जो N दे रखा है, N इज 14, 14 में क्या ऐड करेंगे, जो हमें 28 मिल जाएगा, 14 ऐड करेंगे, तो 14 अगर ऐड करें तो 14 किस नंबर, किस अल्फाबेट का नंबर होता है, N का होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, N आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बच गई इस वाले की बात, ये जो 1 है यहां पे, 1 के करस्पॉन्डिंग हम क्या यहां पे लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसको भी थोड़ी देर में देखते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा। बाकी सब चीजें तो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने इस एलिमेंट को छोड़ दिया था कि इन दोनों का सम क्या होता है, 23 + 5 = 28, ठीक है, ये भी 28, ये भी 28, तो यहां पे भी सम 28 आना चाहिए। तो अगर यहां पे सम अगर 28 आ रहा है, 16 + 12 = 28, 20 + 8 = 28, तो यहां पे अगर 1 है तो यहां पे क्या लिखा होना चाहिए फ्रेंड्स, 27। यहां पे अगर 27 लिख दिया तो 27th एलिमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, 27th एलिमेंट क्या होगा, 1 से 26 A to Z, उसके बाद फिर से हम साइकिल रिपीट करेंगे, तो 27th एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, A itself। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LAHGWJI। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करें, तो इसका जो पैटर्न है ना, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि ये भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना पड़ सकता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसका जो पैटर्न है, जो ऊपर वाला जो लेटर है, ऊपर वाला लेटर का जो नंबरिंग होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब नॉर्मल नंबरिंग होगा, और नीचे वाला जो लेटर है इसका जो नंबरिंग होगा वो रिवर्स ऑर्डर वाला नंबरिंग होगा। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको इस दिमाग से भी सोचना पड़ जाए, इसलिए उस वाले एग्जाम्पल को हम दूसरी तरीके से भी यहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें, ई की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 5, एन इज 14, ई एफ जी, ई इजॉटी का कितना हो गया 5, एफ जी जोड़ देंगे उसमें 7, जे के एल इजॉटी का जे इज 10, के एल 12, ई एफ जी एच आई जे, जे इज 10, 10 से 1 माइनस कर देंगे, आई जे 9, पी क्यू आर एस टी, टी इज 20, टी से 1 माइनस कर देंगे, एस मिल जाएगा 19, और जी हमें 7 था तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, एच हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से इसको हमने लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग कर ली। इन वाले एलिमेंट्स का हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग करना होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी सीख रखा है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उसका भी एक बार फिर से यहाँ पे बेसिक से लेके कैसे आप नंबरिंग करोगे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। W का नॉर्मल ऑर्डर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, WXYZ, Y इज 25, उससे दो पहले, तो W का नॉर्मल ऑर्डर 23 का हो जाएगा। N का नॉर्मल ऑर्डर क्या था फ्रेंड्स, 14 का था। U का क्या होगा, TUV, T इज 20, देन U इज 21, O इजॉटी का O 15, S ऑलरेडी देख रखा है 19,
आई ऑलरेडी दे रखा है 9 और टी हमने इजॉटी का टी इज 20। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल ऑर्डर की नंबरिंग हो गई। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना होता है, 27 से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7। आई का 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 18। उसी तरह एस अगर 19 दे रखा है तो इसका रिवर्स नंबरिंग क्या हो जाएगा, 27 माइनस 19। तो 27 माइनस 19 अगर करें तो क्या हो जाएगा, 9। ये रिवर्स ऑर्डर में, ये हम इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहे हैं, ए टू जेड को अगर यहां लिखें, जेड को अगर 1 माने तो इस डायरेक्शन में अगर हम नंबरिंग करें तो वैल्यूज क्या क्या आएंगे अल्फाबेट्स की वो हम कर रहे हैं। तो ओ का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 15। इस रिवर्स ऑर्डर में क्या वैल्यू हो जाएगी, 12। यू की वैल्यू क्या है, 21। रिवर्स ऑर्डर में क्या वैल्यू हो जाएगी, 6। एन की वैल्यू क्या है, 14। रिवर्स ऑर्डर में क्या वैल्यू हो जाएगी, 13। 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। उसी तरह डब्ल्यू अगर 23 है तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 27 माइनस 23 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा इन सारे नंबर्स को देखिए, 4 और 5, 13 और 14, 6 और 7, 12 और 12, इसको हम स्टार मार्क लगा लेंगे। फ्रेंड्स एस की वैल्यू जो है, एस की जो वैल्यू है वो कितनी आती है फ्रेंड, आर एस टी 20, 20 माइनस 1 19। तो एस की वैल्यू नॉर्मल डायरेक्शन में 19 हो जाएगी, और नॉर्मल डायरेक्शन से 19 हो जाएगी, और रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में अगर हम इसको लिखेंगे तो 27 माइनस 19 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं आएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये 8 हो गया तो आप देख सकते हो ये 8 और 9 हो गया, ये 18 19 हो गया, और ये 7 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह हमें यहां पे भी करना होगा। P को हम लिख सकते हैं LMNOP, तो P इज 16, A इज 1, T इज 20, this T इज 20, इजॉटी का E इज 5, RST T इज 20, R इज देन 18, दो पहले, N क्या होता है फ्रेंड्स, M की वैल्यू क्या होती है, 13, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमने देख लिया। तो रिवर्स ऑर्डर में जो ये लेटर्स आएंगे यहां पे उनका क्या क्या नंबर्स आ जाएगा, तो ये 14 है। अब मैं जो यहां पे नंबर लिखूंगा वो रिवर्स ऑर्डर का होगा, नॉर्मल ऑर्डर नहीं होगा लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 7 8 18 19, जो नीचे वाला जो नंबर दे रखा है ये हमने रिवर्स ऑर्डर के लिए लिखा है। तो फाइनली पहले हम रिवर्स ऑर्डर के लिए लिखेंगे और फिर उसको नॉर्मल ऑर्डर में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एन का जो हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 8 7, मतलब यहां पे कोई 13th, रिवर्स ऑर्डर में 13, रिवर्स ऑर्डर में कोई एलिमेंट अगर 13 है तो नॉर्मल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 14। तो यहां का एलिमेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n, यहां का एलिमेंट क्या हो जाएगा, n। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह यहां पे 18 है तो रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग क्या हो जाएगी, यहां पे 17। नॉर्मल डायरेक्शन में क्या नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 माइनस 17, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 पे क्या होता है फ्रेंड्स, 10 पे क्या होता है, इजॉटी का जी। उसी तरह ये 5 है तो 5 से 1 कम करना है, 9 8 था, 9 से 1 कम हुआ था तो 5 से 1 कम होगा, तो रिवर्स ऑर्डर में यहां पे 4 आएगा, तो नॉर्मल ऑर्डर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 23। तो नॉर्मल ऑर्डर में अगर 23 है तो 23 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, डब्ल्यू। 23 की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू। उसी तरह अब इस वाले को देखिए, ये स्टार वाला एलिमेंट बीच का था तो ये भी हमारा स्टार वाला एलिमेंट बन जाएगा। ये अगर 12 है तो ये भी 12 है, तो यहां जो रिवर्स ऑर्डर का नंबरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 20। और रिवर्स ऑर्डर को फिर हम नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो 27 से माइनस कर देंगे, तो फाइनल यहां पे क्या आना चाहिए, 7th एलिमेंट। 7th एलिमेंट क्या है हमारा, 7th एलिमेंट क्या है, जी। 7th एलिमेंट यहां पे क्या आ जाएगा, जी। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इस वाले टी के लिए क्या होगा, इस वाले टी के लिए 7 6, तो 20 से इस बार जो रिवर्स ऑर्डर में यहां पर लिखाएगा 19 लिखाएगा। 19 अगर लिखाया तो नॉर्मल ऑर्डर में क्या डायरेक्शन हो जाएगा, 27 माइनस 19। तो 27 माइनस 19 करेंगे, 27 माइनस 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, 8। तो यहां पे अगर 8 आ गया तो 7 7 अगर G है तो 8 क्या हो जाएगा, H। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर ये 1 है, 14 से एक पीछे जाना है वो एलिमेंट लिखना है, 14 से एक पीछे जाना है रिवर्स ऑर्डर में। तो 1 का जो अगर हम एक पीछे जाए तो क्या आ जाएगा, 26th एलिमेंट। तो यहां पर यह क्या आ जाएगा, 26th एलिमेंट कौन है, वो Z। 26th एलिमेंट जो है वो Z है,
26th एलिमेंट अगर Z है तो नॉर्मल, ये तो रिवर्स ऑर्डर की नंबरिंग हो गई, तो नॉर्मल ऑर्डर में क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 27 माइनस 26 इज 1, और 1 अगर यहाँ पे आ गया तो 1 के करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ए। उसी तरह यहाँ 16 है तो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे नंबरिंग क्या होनी चाहिए? 15। यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग 15 होगी तो नॉर्मल ऑर्डर में क्या हो जाएगा? 27 माइनस 15, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 12। और 12 किसका वैल्यू होता है फ्रेंड्स? इजोटी में जे इज 10, जे के एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? एल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल। तो हमारा जो आंसर होगा वो, हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे इस टाइप से करवाया कि हो सकता है एग्जामिनर आपको, जिस हिसाब से क्वेश्चन जो टफ होने लगे हैं आजकल, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको इस तरह से भी सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई पहला लेटर नॉर्मल ऑर्डर में लिखा हुआ है और दूसरा लेटर जो दे रखा है, दूसरा जो उसका कोडेड फॉर्म दे रखा है ना, वो रिवर्स ऑर्डर के नंबर में दे रखा है और उनके बीच कुछ रिलेशन बन रहा है। हालांकि इसको हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, जो हमने पहले देखा कि रिवर्स ऑर्डर की नंबरिंग नहीं भी लगती है, तो आप नंबर का एडिशन देके कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि 8 प्लस 20 28, 19 प्लस 9 28, और उस हिसाब से कैसे हमने किया वो हमने ऑलरेडी देख रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, रिवर्स ऑर्डर का हमने अभी एक क्वेश्चन देखा, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिवर्स ऑर्डर का हो सकता है। उसमें दे रखा है कैप इज 61, तो कैप क्या है? 61 है। इसको जरा लिख के देखते हैं कि कैसे हम 61 ला सकते हैं। तो सी इज, सी का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? नॉर्मल तरीके से देखें तो 3, ए का 1, एंड पी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी, तो ओ के बाद पी आ रहा है, इजोटी में ओ इज 15, देन पी इज 16। तो क्या इसको कुछ करके हम 61 ला सकते हैं? एडिशन अगर हम करें तो 61 हम नहीं ला पा रहे, 61 हम नहीं ला पा रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हम रिवर्स ऑर्डर का नंबरिंग करते हैं। अगर सी 3 है तो रिवर्स ऑर्डर में इसका क्या नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स? 24 हो जाएगा। ए 1 है तो इसका रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 26 हो जाएगा। क्यों? 27 से हमें घटाते चलना है, 27 से हमें सारे नंबर्स को घटाते चलना है। पी अगर 16 है तो रिवर्स ऑर्डर में इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 26, 27 माइनस 16, 11। अगर हम इनको ऐड करें, 26 और 11 क्या हो गया फ्रेंड्स? 26, 11 क्या हो गया? 37, एंड 37 प्लस 24 इज 61। तो ये हम दे सकते हैं कि 61 ऐसे आ गया। उसी तरह अगर आपको पेन की वैल्यू दे रखी हो, पेन की वैल्यू अगर पूछी हो, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्मल ऑर्डर में नंबरिंग कर लेते हैं, पी को हमने क्या बोला? 16। रिवर्स ऑर्डर में क्या नंबरिंग हो जाएगी फ्रेंड्स? 27 माइनस 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। ई को हमने बोला 5, रिवर्स ऑर्डर में इसकी क्या नंबरिंग हो जाएगी फ्रेंड्स? 27 माइनस 5, 22। उसी तरह एन को बोला हमने 14, और रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा उसका वैल्यू फ्रेंड्स? 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू, 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 13। इसको अगर हम ऐड करें, इसको अगर हम ऐड करें तो वो हमारा आंसर होगा, इसको अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा आंसर होगा। तो 22 प्लस 13 कितना हो गया फ्रेंड्स? 35। 22 प्लस 13 इज 35, एंड 35 प्लस 11 इज 46। 35 प्लस 11 इज 46। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 46। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 46। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस जो है वो इन टाइप से डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं फ्रेंड्स, उसको हमने यहां पे देख लिया। और भी काफी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस हो सकता है फ्रेंड्स, तो उसको वो कैसे चलेगा कि आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो रिवर्स ऑर्डर के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे कि भाई हाँ, ये इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो ये हमारा मकसद था ये रिवर्स ऑर्डर के ये दो क्वेश्चंस कराने के, कि आपको दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग क्लोज करके नहीं जाना है, पूरा ओपन होके जाना है कि भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस टफ क्यों माने जाते हैं, वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर किस तरीके से सोच के आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिया है वो आपको नहीं पता होता है। रिवर्स ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर, या फिर थोड़ा स्लैंट वेज में अगर कुछ करके पूछ दिया, तो यहाँ पे लेक्चर में हमने जितने भी पैटर्न्स आज तक पूछ रखे हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आज तक पूछ रखे हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो पैटर्न्स पूछ रखे हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और उनका कुछ वेरिएशंस भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन करा लिया और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। हम उनका वेरिएशन भी देख रहे हैं कि मान लो अगर इस तरीके से अगर लिखा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों एक दो तरीके से भी हमने उसको, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड भी हम सीख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, हमने आपको बोला था कि
जो पैटर्न बनता है एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनर सोचते हैं वो कुछ भी पैटर्न सोच सकते हैं, वो स्लैंट सोच सकते हैं, वर्टिकल सोच सकते हैं या उल्टा स्लैंट सोच सकते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है जो हम अपने मिसेलिनियस में करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएरआर को कोडेड एज दिस डी ई ए डी ई ए ई आर। इसको कैसे कोड किया है फ्रेंड्स, एफ ई ए एस एफ। सो कैसे कोड किया है, एफ ई ए एस एफ। और पूछा है आपसे माउस का कोड क्या, एम ओ यू एस। तो इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो इसमें क्या वेरिएशन था फ्रेंड, इन सारे क्वेश्चंस में क्या वेरिएशन था कि आप अगर डायगोनली ऑब्जर्व करोगे डी ई और ई एफ, डी के बाद ई यहां आ रहा है और ई के बाद वाला एफ एलिमेंट यहां आ रहा है, उसी तरह ई एफ और आर और एस, आर एस ई एफ और ए तो एज इट इज बना रहेगा। तो हमें इस डायरेक्शन को भी, इस तरीके से भी आपको एग्जामिनेशन में सोचना पड़ सकता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को भी इंक्लूड करा है। ठीक है, तो देखते हैं एम, तो यहां पे क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, एन। एल एम एन ओ, तो यहां पे क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, पी। एम के साथ एन, ओ के साथ पी। यू ए एज इट इज था, तो बीच वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा, ये तो यहां यू आ जाएगा। उसी तरह एस और ई था, तो एस के बाद यहां पर क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, इसके नीचे टी, और ई के बाद यहां पे क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी एन यू एफ टी, पी एन यू एफ टी। फिर से समझ जाते हैं, डी ई ई एफ, ए एज इट इज, ई एफ आर एस। ठीक है, एम एन, एम के बाद एन यहां पे आ गया, ओ के बाद जो पी आना था वो यहां पे आ गया, यू एज इट इज रह गया, एस टी ई एफ। ठीक है, तो इस टाइप के भी पैटर्न्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे हमने ये वाला कंसेप्ट जो आपको शुरू में बताया कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए ए बी सी डी करके एम तक लिख रखा है यहाँ पे, और यहां से एन से लेके जेड तक लिख रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लेटर्स आपको दिख रहे हो वो इस डायरेक्शन में रिलेटेड हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिलेटेड होने का ये मतलब हो गया ए बी सी डी एम, यहाँ पे N O P Q, ठीक है, तो दे रखा होगा A के बाद O आ रहा है, A is coded as O O, B is coded as P, C is coded as Q, तो मतलब एक छोड़ के कोड हो रहा है उस टाइप से। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को देखने का तरीका, इन सारे जो पैटर्न चल रहे हैं इनको भी आपको विजुलाइज करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, क्योंकि ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, हो सके ऐसा ना देखे वो आपसे ये पूछ दे, यहां पे मान लीजिए ए बी सी डी है और यहां पे एन ओ पी क्यू है, तो इसको अलग तरीके से कोडिंग कर दे, जैसे कि ये डी को पी कर देगा, सी को ओ कर देगा, बी को एन कर देगा, और आपसे फिर ई एफ जी एच का कुछ पूछ लेगा कि भाई ई एफ जी एच का बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से भी आपको एग्जामिनेशन में सोचना है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये आपके दिमाग में कैसे आएगा फ्रेंड्स, ये आपके दिमाग में तब आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन कराने का बस यही मकसद था कि आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, ये पैटर्न ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है टीयर इज कोडेड एज 17, तो वाटर का कोड कैसे होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को कराने का मकसद यही है फ्रेंड्स कि आपको कितने तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर जो है घुमा सकता है, आपको किस तरीके से सोचना है, वो हमारा मकसद है कि आप इन क्वेश्चंस के थ्रू सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं और इसमें क्या क्या पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं, मतलब एक लिमिट तक वेरिएशन तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग तो अलग ही सब्जेक्ट होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी क्या क्या वेरिएशंस हो सकता है जो एग्जामिनर सोच सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीयर को क्या बोल रखा है इन्होंने, टीयर को बोल रखा है 17। तो 17 कैसे आया भाई, 17 कैसे आया वो हमें एनालाइज करना होगा। देन टी इज 20, इजोटी का टी इज 20, इजोटी का ई इज 5, ए इज 1 एंड आर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आर एस टी, इजोटी का टी इज 20 देन आर इज आर एस टी, तो टी से दो पहले, तो टी से दो पहले क्या हो जाएगा 18। अब इसको अगर ऐड कीजिए, इसको अगर हम ऐड करें तो किसी हालत में 17 तो बनेगा नहीं फ्रेंड्स, तो फिर क्या करना होगा, जो भी दो डिजिट वाला नंबर है,
जो भी दो डिजिट वाला नंबर है उनको आपस में ऐड करना, टू ये फाइव एज इट इज रह जाएगा, ये वन एज इट इज रह जाएगा, वन प्लस एट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स नाइन, ये टू कैसे आया टू प्लस जीरो, फाइव कैसे आया फाइव को हम क्या लिख सकते हैं फाइव को हम जीरो फाइव लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, फाइव प्लस जीरो इज फाइव। उसी तरह वन को क्या लिख सकते हैं हम जीरो वन, जीरो प्लस वन इज वन, एटीन को क्या लिखना होगा एट प्लस वन नाइन, तो नौ एक दस पांच पंद्रह दो सत्रह, तो हम बोल सकते हैं कि इनको अगर हम फिर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स सेवेंटीन। तो वाटर का आंसर कैसे आएगा फ्रेंड्स, वाटर का आंसर कैसे आएगा, तो डब्ल्यू ए टी ई आर, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 23। कैसे भी बहुत आपने सीख रखा होगा इसको, आर एस टी, टी इज 20, यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू तीन ऐड कर देंगे इजॉटी के टी में, इजॉटी का टी इज 20, 20 प्लस 3 इज 23, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5, और आर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 18 है, तो आर की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स हमारे पास 18। ठीक है, हमें करना क्या है, जो भी दो डिजिट वाला नंबर है उनको आपस में ऐड कर देना है, तो टी प्लस टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5, ए का वैल्यू 1 है 1 तो एज इट इज आ जाएगा, यहां टी की वैल्यू 20 है तो 20 को कैसे लिखेंगे हम 2 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ई की वैल्यू 5 है ये एज इट इज आ जाएगी फ्रेंड्स 0 प्लस 5 इज 5, और यहां पे आर का 18 है तो 18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, तो यहां पे हम 9 लिख देंगे, और फिर हमने क्या करा था ऐड कर दिया था इनको, तो यहां पे भी हम ऐड कर देंगे सबको, यहां पे भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13 एंड 13 प्लस 9 इज 22, 13 प्लस 9 इज 22, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें और क्या क्या वेरिएशन हो सकता था, मतलब एग्जामिनर और क्या क्या सोच सकता है, जो आप भी अभी से सोचेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी अंदर ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा, अभी हम क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, ठीक है, एक नया क्वेश्चन हम खुद से बना रहे हैं कि टीयर को अब हम 17 कोड नहीं करेंगे, टीयर को हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू टीयर की, टी की क्या है फ्रेंड्स 20 है, ई की क्या वैल्यू है 5 है, ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 18 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एग्जामिनर क्या सोचा, एग्जामिनर को थोड़ा सा ये चला कि चलो स्टूडेंट को परेशान करते हैं, हम क्या करेंगे, एग्जामिनर अब क्या वैल्यू देगा, अब बोलेगा एग्जामिनर खुद से जब क्वेश्चन डिजाइन कर रहा होगा, अभी हम क्वेश्चन डिजाइनिंग के फेज में है, तो इसको बोलेगा कि नहीं टी को हम 20 नहीं लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, इसको बोलेंगे 7, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे 5 को हम रिवर्स ऑर्डर में क्या लिख देंगे 27 माइनस 5 22, ए को रिवर्स ऑर्डर में क्या लिख देंगे 27 माइनस 1 26, और आर को रिवर्स ऑर्डर में क्या लिख देंगे 27 माइनस 8 9, इसको अब हम ऐड करेंगे, इसको अब हम ऐड करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा, 7 को क्या लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स 07, 7 प्लस 0 7 आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 4 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, और 9 0 प्लस 9 9 आ जाएगा। अब एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा 9 8 17 4 9 8 17 4 21 7 28, अब एग्जामिनर आपको टीयर का वैल्यू दे देगा क्या 28। अब बताओ भाई, अब ये बताओ कि वाटर का वैल्यू क्या है, तो वाटर का कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे अभी हमने टीयर का डिकोडिंग किया उसी तरफ से हम वाटर का आंसर निकाल लेंगे, जैसे हमने टीयर को यहां पे सॉल्व किया उसी तरीके से हम वाटर को निकाल लेंगे अपना आंसर क्या होगा। हम आपको पॉसिबल वेरिएशंस बता रहे हैं फ्रेंड्स, और क्या सोच सकता था फ्रेंड्स, और आपके साथ अगर बदमाशी करने की कोशिश करें तो क्या सोचेगा, अब बोलेगा चलो नहीं भाई इसमें तो मजा नहीं आया, स्टूडेंट को थोड़ा सा और परेशान करते हैं, हम अब ये वैल्यू नहीं देंगे, हम टीयर की कुछ और वैल्यू देंगे और फिर वाटर की कुछ और वैल्यू सोचेंगे। अब क्या करेगा, सबसे पहले तो वो रिवर्स ऑर्डर में अपना नंबर उसने लिख लिया, अब वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा कि क्वेश्चन अब वो करेगा कि बड़ा डिजिट माइनस छोटा डिजिट, 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 0 9, तो आपको अगर नया वैल्यू टीयर का क्या देगा 9 4 13 7, तो इस तरीके से वो टीयर को बनाएगा। तो इसके बाद फिर आपसे अगर वो पूछेगा कि वाटर की वैल्यू क्या आएगी, तो वाटर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से टीयर की वैल्यू को डिकोड करेंगे उसी की वैल्यू से, उसी तरीके से हम फिर वाटर की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से पॉसिबल वेरिएशंस हो सकता है फ्रेंड, तो ये सब चीजें भी आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का अगला वेरिएशन जो है स्नो दे रखा है 7100, एस एन ओ, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है फ्रेंड्स 7100,
वो कैसे आई वो देखते हैं। पी क्यू आर एस टी, टी की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 19, एन की वैल्यू 14, ओ की वैल्यू 15, इजोटी का ओ, डब्ल्यू की वैल्यू 23। इनको ऐड करते हैं, 23 प्लस 15 38, 38 प्लस 14 52, 52 प्लस 19 71। तो कुछ तो दिख गया हमें, क्या दिखा, जो सम है वो यहां लिख रखा है, उसके आगे हमने डबल जीरो लगा रखा है। डबल जीरो अगर हम देखें तो सारे ही विकल्पों में मौजूद है, तो ये क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो पहला डिजिट है, पहला दो डिजिट है, ये क्या होना चाहिए, इस वॉल का सम। तो वॉल का सम अगर हम निकालें, वॉल का अगर हम सम निकालें, तो W की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स 23, A की वैल्यू क्या हो गई 1, L की वैल्यू क्या हो गई, इजोटी के कंसेप्ट में आते हैं J K L, J is 10, K L plus 2, तो ये J K L से 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 23 48, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से भी आपको एग्जामिनर सोचने पे मजबूर कर सकता है मेरे फ्रेंड्स, कि जो सम है उसको पहले ही लिख दिया, उसके बाद कुछ भी डिजिट वो पुट करके रख दे वहां पे। तो ये सब क्वेश्चन को कराने का बस एक ही मकसद है फ्रेंड्स, आपके दिमाग में पैटर्न कोई फिक्स ना हो कि इसी पैटर्न पे हमें सोचना है, मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं फ्रेंड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो ये भी एक पैटर्न होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो अल्फा न्यूमरिक का क्वेश्चन है। उसमें क्या किया है एग्जामिनर ने, ए को वन कोड कर दिया है, सी को अल्फाबेट को एज इट इज रहने दिया है, उसके बाद आई को उसने डी कोड कर दिया है और डी को एज इट इज रखने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अब हमने अल्फाबेट्स तो पढ़ लिया ए से लेके जेड, अल्फाबेट्स में भी दो पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ, और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है एग्जामिनर जो हो आपको वॉवेल्स की अलग नंबरिंग करा ले, 1 2 3 4 5, और उसी तरह जो आपका कॉन्सोनेंट शुरू होगा जैसे बी सी डी ई, तो ये हो जाएगा एफ जी ऐसे करके जेड तक, ये हमने वॉवेल्स अलग से लिखा है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट को अलग से लिखा और कॉन्सोनेंट की अलग से आपका नंबरिंग करा ले, 1 2 3 4 इस टाइप से, तो नंबरिंग चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, नंबरिंग चेंज हो जाएगा, तो ये चीजों को भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीजें पूछी जा रही है, तो यहां पे अगर हम देखें, ए का वैल्यू तो उसने 1 रख दिया, सी को एज इट इज रख दिया, और आई की वैल्यू 3 रख दी, आई की वैल्यू 3 ने तो कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो दूसरा स्ट्राइक क्या करेगा हमारे दिमाग में कि एक वॉवेल है, वॉवेल का नंबर रख दिया उसने, आई एक वॉवेल है, वॉवेल का नंबर रख दिया उसने, कॉन्सोनेंट को एज इट इज छोड़ दिया गया, तो उसी तरह ये एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया, इसको हम इसमें टेस्टिफाई करेंगे कि क्या वही पैटर्न चल रहा है। तो कॉन्सोनेंट को एज इट इज रहने दिया गया है, ओ को क्या लिखेंगे हम फ्रेंड्स, ए ई आई ओ, ओ इज 4, तो ओ को इसने 4 लिख दिया है। ठीक है भाई, एम को एज इट इज छोड़ दिया है जो कॉन्सोनेंट है, फिर बी एक कॉन्सोनेंट है तो उसको एज इट इज छोड़ दिया गया, एक वॉवेल है, वॉवेल का नंबरिंग कर दिया गया है, एक वॉवेल है तो उसकी नंबर क्या है 1, तो यहां पे 1 लिख दिया गया है, और y कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को एज इट इज छोड़ दिया गया है फ्रेंड्स। तो उसी बेसिस पे आपसे इंडिया का कोड पूछा गया है, तो इंडिया में i क्या है फ्रेंड्स, वॉवेल है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, i की वैल्यू सिर्फ वॉवेल से अगर हम देखें 1 2 3 तो 3 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एज इट इज n, क्योंकि n एक कॉन्सोनेंट, अगर हम पैटर्न देखें तो कॉन्सोनेंट को उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया है, d क्या हो जाएगा फ्रेंड, कॉन्सोनेंट वो एज इट इज आ जाएगा, फिर से i, I की वैल्यू क्या है 3, A क्या है फ्रेंड्स, वॉवेल है, A अगर वॉवेल है तो उसको हमको नंबर में डिनोट करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3ND 3 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से भी आपको सोचने पे एग्जामिनर मजबूर कर सकता है फ्रेंड्स, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया है कि आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ सकता है।
आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ सकता है फ्रेंड्स। इसको आप बार बार नोट्स बना के अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि कितने सारे पैटर्न हमने डिस्कस किए हैं, किसको किस तरीके से सोचना पड़ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, और कितने पॉसिबल वेरिएशन तरीके से सोचना पड़ सकता है, वो आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। कॉन्सोनेंट अलग, वॉवेल अलग, वॉवेल की नंबरिंग अलग, कॉन्सोनेंट की नंबरिंग अलग, और उसके हिसाब से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका कुछ वेरिएशन देख लें क्या, इसका कुछ वेरिएशन देख लें। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा होता एसिड, एसिड को दूसरे तरीके से आपको कोड करके देता। इस बार वो क्या करता कि वॉवेल को छोड़ देता, वो वॉवेल नहीं कोड करता, सी को जो इसकी जो कोडिंग होती वॉवेल एज इट इज आ जाता, और सी की जो कोडिंग होती, सी की जो कोडिंग होती वो क्या हो जाती, सी की कोडिंग क्या हो जाती अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट कोडिंग, सी की कोडिंग क्या हो जाती टू। तो यहाँ पे वो लिख देता टू, आई को वो एज इट इज छोड़ देता, और डी की कोडिंग क्या हो जाती, डी की कोडिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट क्या हो जाती थ्री। तो इसको हमने रिवर्स कर दिया। अब एग्जामिनर क्या सोच रहा है कि वॉवेल को एज इट इज रहने दो भाई, कॉन्सोनेंट की नंबरिंग चेंज कर दो। और कॉन्सोनेंट की कौन सी वाली नंबरिंग होगी, नॉर्मल वाली नंबरिंग नहीं, कॉन्सोनेंट में जो नंबरिंग होगी। जैसे कॉन्सोनेंट अगर स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, तो सी क्या हो जाएगा टू, डी क्या हो जाएगा थ्री। तो इस तरीके से इसको कोड करता है, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में पूछ जाता, तो चलो भाई बताओ इंडिया का कोड क्या होगा। तो इंडिया का कोड क्या हो जाता फ्रेंड्स, अगर ये कोड आपको दे रखा होता एग्जामिनर और पूछ रखा होता इंडिया का कोड क्या होता, तो क्या करते हैं हम, वॉवेल को एज इट इज छोड़ देते हैं, एन का कोड क्या हो जाता फ्रेंड्स, बी सी डी ई एफ जी देख लेते हैं, एच आई जे के एल एम एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी सी डी एफ जी एच आई, आई तो एक वॉवेल है, ये तो आएगा नहीं कॉन्सोनेंट वाले में, जे के एल एम एन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। तो n का कोड क्या आ जाता फ्रेंड्स, यहां पे 11 आ जाता। उसी तरह d का कोड क्या आ जाता फ्रेंड्स, 3 आ जाता, i एज इट इज आता और a एज इट इज आ जाता। तो अगर ये क्वेश्चन दे रखा होता एग्जामिनर, अगर वेरिएशन करके ये दे रखा होता, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, ये आ जाता। हमारा आंसर क्या आ जाता फ्रेंड्स, ये आ जाता। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता। तो इस तरीके से वेरिएशन हो सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें काफी बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, इसको हम चुटकियों में अपना आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दे रखा है कि ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड एंड रेड मीन्स ब्राउन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। तो एक्चुअल में स्काई का कलर क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लू। हमारा फाइनल आंसर जो है वो ब्लू आना चाहिए, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो ब्लू आना चाहिए। लेकिन फाइनल आंसर अगर हमने यहां पे ब्लू दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्लू को कोडिंग कर रखी है, ब्लू के लिए कोडिंग कर रखी है, इसीलिए वो जो हम डायरेक्ट अगर ब्लू बोल दें, डायरेक्ट हम यहां पे ब्लू अपना आंसर लाके ब्लू लिख दें, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ब्लैक मीन्स पिंक, अगर कोई भी सामान काला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पिंक है, वो पिंक है। उसी तरह कोई भी सामान अगर पिंक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ब्लू है। तो हमें फाइनल आंसर अपना क्या लेके आना है, फाइनल आंसर अपना ब्लू लेके आना है। तो ऐसा क्या सामान होना चाहिए, ऐसा क्या सामान होना चाहिए कि हमारा आंसर ब्लू आ जाए। तो अगर हमारे पास जो सामान है वो पिंक हो तो हम बोल सकते हैं कि वो ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां दे रखा है पिंक मीन्स ब्लू, पिंक मीन्स ब्लू। सामान अगर पिंक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू बोलेंगे। सामान अगर पिंक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू बोलेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, ब्लू। लेकिन ब्लू डायरेक्टली हम यहां पे बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू को कोड कर रखा होता है, और अगर हम कोडिंग के थ्रू जाए, कोडिंग के थ्रू जाए तो ब्लू को, ब्लू जो है, ब्लू हम किसको बुलाएंगे, ब्लू हम किसको बुलाएंगे, पिंक को बुलाएंगे। ब्लू जो है हम किसको बुलाएंगे, पिंक को बुलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लू हम किसको बुलाएंगे, पिंक को बुलाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पिंक। ठीक है, दो सेंटेंस इसमें कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, ये पिंक मीन्स ब्लू और ब्लू मीन्स व्हाइट। ब्लू का मतलब व्हाइट होता है, ठीक है, ब्लू का मतलब व्हाइट होता है।
तो ये दोनों सेंटेंस आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है, तो इन दोनों सेंटेंस पर ही हम इसको एनालाइज करते हैं कि इसका आंसर पिंक आएगा, व्हाइट क्यों नहीं आएगा। इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि अगर कोई पेन है आपके पास, पेन जो है वो पिंक कलर की है, पेन जो है वो पिंक कलर की है, तो हम बोलेंगे क्या, पेन इज ब्लू, हम उसको क्या बोलेंगे, पेन इज ब्लू। थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में सोचिए, अगर पेन ब्लू कलर का होता, अगर पेन ब्लू कलर का होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते क्या, पेन इज व्हाइट। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है सेकंड केस में, व्हाइट। हमारा फाइनल आंसर केस में क्या आ रहा है, व्हाइट। लेकिन हमें अपना फाइनल आंसर क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। हमें अपना फाइनल आंसर अगर ब्लू चाहिए तो ब्लू हम किसको बुलाते हैं फ्रेंड्स, ब्लू हम किसको बुलाते हैं, ब्लू हम पिंक को बुलाते हैं। पिंक का मतलब ब्लू होता है, पिंक का मतलब ब्लू होता है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा, पिंक का मतलब ब्लू होता है, पिंक का मतलब ब्लू होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पिंक। और इसमें अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन बनता है तो आप क्या करोगे, आप जो फाइनल सेंटेंस जो दे रखा होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, उसको यहां पे लिखो ब्लू, उसको अलग से यहां पे लिख लो, और जो क्वेश्चन में कोडिंग दे रखी होगी ना, क्वेश्चन में जो कोडिंग दे रखी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ड्स दे रखे हैं उसको आप यहां पे लिख दोगे। जैसे ब्लू को क्या लिख रखा है, ब्लू मीन्स व्हाइट, ब्लू मीन्स व्हाइट, तो आप यहां पे व्हाइट लिख दो, व्हाइट मीन्स येलो, आप यहां पे येलो लिख दो, पिंक मीन्स ब्लू, आप यहां पे ब्लू लिख दो, ब्लैक मीन्स पिंक, तो आप यहां पे पिंक लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो नन ही है, तो यहां पे जो आप लिखोगे पिंक मीन्स ब्लू, ये आपके जो ओरिजिनल आपने जो सोचा है, जो ओरिजिनल जो एक्चुअल में जो वैल्यू होगी, मतलब व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई क्या है, ब्लू, ये दोनों मैच होने चाहिए, ये दोनों मैच होने चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पिंक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पिंक। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज नहीं करना है फ्रेंड्स, इन दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं करना है। कैसे नहीं करना है वो मैंने आपको यहां पे सिखा दिया है। ठीक है, जो भी आपका आंसर दे रखा होगा, जैसे अगर पूछ रखा होता है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो हमारा क्या आंसर रहता, नॉर्मल केस में अगर कुछ नहीं कोडिंग की रखी होती, कलर ऑफ ब्लड इज रेड, कलर ऑफ ब्लड इज रेड, कलर ऑफ ब्लड अगर रेड हो गया, ठीक है, कलर ऑफ ब्लड रेड हो गया तो ऑप्शंस, तो हम क्या करते, रेड तो यहां पे एज इट इज लिखे रहते और यहां जितने भी विकल्प दे रखे होते उनका मतलब यहां पे लिख दे होते, तो ब्लू का व्हाइट, व्हाइट का येलो, पिंक का ब्लू, ब्लैक का पिंक, और भी कुछ आ जाता, येलो अगर मान लीजिए यहां पे लिखा रहता तो उसका मतलब क्या होता, रेड। तो हमारा आंसर क्या आ जाता फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या आ जाता, ये दोनों चूंकि मैच हो गए एक दूसरे से, तो हमारा आंसर क्या आ जाता फ्रेंड्स, येलो। हमारा आंसर क्या आ जाता, येलो। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता, येलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इन बस गलती करने की यही चांसेस होते हैं, दो तीन गलती की, कि फाइनल अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, आपने देखा ब्लू और ब्लू टिक करके आ गए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ब्लू का कोई कोड दे रखा है। दूसरा, आपने देख रखा है ब्लू, और ब्लू का मतलब क्या दे रखा है, मतलब ब्लू क्या बोल रखा है, ब्लू मीन्स व्हाइट, आपने व्हाइट टिक करके आ गए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि हम पिंक को ब्लू बुला रहे हैं, कोई एलिमेंट अगर पिंक है तो फाइनल आंसर अगर चूंकि हमारा ब्लू आना है तो हम उसको बोलेंगे कि वो पिंक होना चाहिए, तभी हम फाइनल आंसर अपना ब्लू लेके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसमें लोग गलतियां कर देते हैं, हम गलती कैसे नहीं करेंगे वो हमने यहां पे तरीका सीख लिया फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें दे रखा था कि पिंक मीन्स ब्लू, पिंक मीन्स ब्लू, और यहां पे क्या दे रखा है, समथिंग इज कॉल्ड समथिंग, जैसे रेड इज कॉल्ड डॉग्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है आपस में काफी कंफ्यूजिंग है, तो आपको दोनों केसेस को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, स्टेप तो वही फॉलो होगा फ्रेंड्स, विच इज रियर्ड एस्पेक्ट। तो आपको ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको अभी भूल जाना है कि कोडिंग वगैरह क्या की गई है, तो सबसे पहले देखना है विच इज रियर्ड एस्पेक्ट। तो इन जनरल कौन सा एनिमल पेट के थ्रू रियर होता है, तो डॉग। ठीक है, और डॉग को हम क्या बुलाते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू कोडिंग
डॉग को क्या बुलाते हैं? डॉग इज कॉल्ड मंगूस. डॉग इज कॉल्ड मंगूस. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगूस. ठीक है फ्रेंड. पिछला केस में क्या था फ्रेंड्स? मींस था. पिंक मींस ब्लू, ब्लू मींस समथिंग, ब्लू मींस व्हाइट. यहां पे क्या है कि हम किसी चीज को किसी और के नाम से बुला रहे हैं. अगर ये डॉग है तो इसको हम क्या जिसके नाम से बुला रहे हैं? मंगूस के नाम से बुला रहे हैं. तो ये दोनों क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस आपको जानना बहुत ही जरूरी है. ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले सेक्शन में. अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एबीसीडी इज कोडेड एज लाइक दिस. एबीसीडी इज कोडेड एज लाइक दिस. तो आर एल जेड ओ का कोड क्या होगा? आर एल जेड ओ का कोड क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो आर एल जेड ओ का कोड क्या होगा ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स. ये हम आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर एल जेड ओ का कोड क्या होगा. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें. थैंक यू.